इसके पहले भी मैंने अनाउंस किया था, दो बार कैंसिल हुआ इस महीने में। तो इस महीने में हमें दो मैराथन कराने थे और चांस की बात केवल एक हो पा रहा है, और उसमें भी कभी लाइट चली जाती थी बरसात होने की वजह से, तो लाइट प्रॉब्लम मेजर फैक्टर था, इसलिए मैराथन क्लास अपनी नहीं हो पा रही थी, और आज मैराथन क्लास अपनी है। मैराथन क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। हर्ष गुड इवनिंग, अजगर अली गुड इवनिंग, और मैराथन क्लास अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि बहुत सारे क्वेश्चन अपने साथ सामने आ जाते हैं और एक बहुत अच्छी अपने साथ प्रैक्टिस हो जाती है। तो कल से एक नया उद्देश्य मैं लेकर के आया हूँ, नई प्लानिंग लेकर के आया हूँ, और कल से जैसा कि तुमको मालूम हुआ होगा सभी को और अच्छा भी लगा हुआ होगा, टारगेट नीट 2021 प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट होगा। इसमें बायो के भी क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के भी रहेंगे और फिजिक्स के भी रहेंगे। और फिजिक्स में सबसे बड़ी बात ये मैंने रख दी है कि हर क्वेश्चन का सलूशन तुमको मिलेगा, इसलिए किसी से, नीता चोपड़ा गुड इवनिंग कैसी हो, तो कल से प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और टारगेट अपना नीट 2021 होगा, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चंस होंगे, और फिजिक्स के प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको सलूशन तुरंत एट ए टाइम मिलेगा। जैसे ही फिजिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके तुरंत बाद आपको आंसर आएगा, मतलब पूरा सलूशन दिया जाएगा। अर्पा हसन क्या हालचाल है भाई, स्नेहल पांडे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अब चारों सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने हम प्रैक्टिस सीट के रूप में उतरेंगे। हम बहुत अच्छे हैं नीता, साधना गुड इवनिंग, बस बहुत गोल मारती हो वो नीता। तो जम करके अपने को तैयारी करना है, और जैसा कि तुम्हें मालूम है बायो की लाइव क्लास 7 से 8 चलती है और डेली चलती है, और लाइव फास्टिस हम बहुत अच्छे हैं। पुष्पांजलि गुड इवनिंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन। देखा जाए क्या होता है। आज का क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है क्योंकि पुष्पांजलि आ चुकी हैं, और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, MABS मैन एंड बॉटनी, दूसरा है मैन एंड बायोस्फीयर, नेक्स्ट है मैन एंड बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी है बायोटिक कम्युनिटी, मैन एंड एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, और सभी ने आंसर सही दिया है 1 का सेकंड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, साइलेंट वैली हैविंग रेयर प्लांट एंड एनिमल लोकेटेड इन, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड। साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में स्थित है, साइलेंट वैली लोकेटेड इन केरला, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पर, गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, गिर नेशनल पार्क किस बात के लिए फेमस है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन सही है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, 3 का सेकंड पुष्पांजलि गलत आंसर, 3 का सेकंड आंसर सही है, गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने है, ध्यान दीजिए, इन अ नेशनल पार्क पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, पहला ऑप्शन है इंटायर इकोसिस्टम, दूसरा है फ्लोरा एंड फोना, नेक्स्ट है फोना ओनली, नेक्स्ट है फ्लोरा ओनली, क्वेश्चन नंबर 4, 4 का सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड। 4 का सेकंड आंसर सही है, फ्लोरा एंड फोना का प्रोटेक्शन किया जाता है,
क्वेश्चन नंबर पाँच, ये रहा आपके स्क्रीन पर पांच क्वेश्चन। विच एनिमल हैज बिकम एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया, कौन सा एनिमल इंडिया से एक्सटेंट हो चुका है? स्नो लेपर्ड, हिप्पोपोटामस, वुल्फ, चीता। तो चीता एक्सटेंट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर पाँच का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच का फोर्थ ऑप्शन सही है, चीता इंडिया से एक्सटेंट हो चुका है। फाइव का फोर्थ ऑप्शन सही है। ओफो पुष्पांजलि रॉन्ग आंसर, साधना रॉन्ग आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉय मोस्ट व्हेन देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर केयर। दूसरा ऑप्शन है मास स्केल हंटिंग फॉर फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है इट्स नेचुरल हैबिटेट इज डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है नेशनल नेचुरल क्लाइमेटी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का थर्ड ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, सभी ने थर्ड ऑप्शन दिया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन क्वेश्चन ये है आपके, रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर सेवन, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी। तो सेवन क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर है। सेकंड, वेरी वेरी गुड, सेकंड आंसर सही है, राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, एट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर टाइगर रिजर्व एंड इट स्टेट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो क्या दिया गया है, प्लेम्यू उड़ीसा, यही जो है वो करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर आठ का फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर आठ का फर्स्ट ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने फर्स्ट लगाया उनका बिल्कुल सही है, कई लोगों का गलत है। क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, प्रायर नेशनल पार्क, नेक्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा, कॉर्बेट नहीं है, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्पेलिंग गलत है। तो नाइन का थर्ड ऑप्शन सही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना है। तो नाइन का थर्ड ऑप्शन सही है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना, कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दस, दस देखिए, ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लैम्बैगो इन इंडिया इज, इंडिया में फ्लैम्बैगो का ब्रीडिंग प्लेस कहाँ पर है? पहला ऑप्शन चिलिका लेक, नेक्स्ट है सामर लेक, नेक्स्ट है रन ऑफ कच्छ, नेक्स्ट है घना विहार। तो दस का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो, दस का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, दस का थर्ड ऑप्शन सही है, रन ऑफ कच्छ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अलेवन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज एस्टिमेटेड बाय, तो देखा जाए एंट्रो का स्टिमुलेटेड होगा, एस्टिमेटेड नहीं, स्टिमुलेटेड बाय। पहला ऑप्शन है एंट्रोकाइनेस, नेक्स्ट है पॉलीसिस्टोकाइनेस, नेक्स्ट है ट्रिप्सिनोजन, नेक्स्ट है सेक्रेटिन। 11 का सेकंड आंसर सही है, 11 का सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड, मतलब कॉलीसिस्टोकाइनिन आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड की जाइमोजन सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? पहला ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिनोजन, दूसरा पेप्सिन, नेक्स्ट पेप्सिनोजन, नेक्स्ट ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन सही है, पेप्सिनोजन का सेक्रीशन करती है, थर्ड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 13 पे आइए, सेक्रेटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ, सेक्रेटिन किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? पहला है सलाइवा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस, नेक्स्ट बाइल, नेक्स्ट पैंक्रियाटिक जूस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ ऑप्शन सही है, पैंक्रियाटिक जूस, 13 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीथ इज, टीथ का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? पहला है बोन, दूसरा है डेंटिन, नेक्स्ट है इनेमल, नेक्स्ट ऑप्शन है पल्प। तो क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सभी के जवाब सही आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। पैंक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है? 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन। दूसरा है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन। नेक्स्ट है 2 डाइजेस्टिव एंजाइम 1 हार्मोन। नेक्स्ट है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड नो हार्मोन। 15 का देखते हैं क्या लगाते हो। 15 का सेकेंड ऑप्शन सही है। वेरी वेरी गुड, सभी आंसर सही दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है सक्कस इंटिकसिस। पहला ऑप्शन है स्वेलन एरिया बिटवीन इलियम एंड रेक्टम। दूसरा ऑप्शन है इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट है एनी स्वेलिंग इन गट। नेक्स्ट है वार्मीपर्म अपेंडिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड ऑप्शन सही है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस का अनदर नेम क्या है? सक्कस इंटिकस है। सेकेंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द इंटेस्टाइनल जूस सक्कस इंटिकस से सेक्रेटेड बाय। पहला ऑप्शन है विलाई, दूसरा है क्रिप्स ऑफ लिवर क्वन। नेक्स्ट है बुलनर्स ग्लैंड। नेक्स्ट है क्रिप्स ऑफ लिवर क्वन एंड बुलनर्स ग्लैंड। 17 का फोर्थ ऑप्शन सही है। हर्ष तुम्हारा आंसर गलत है। 17 का फोर्थ ऑप्शन सही है, ध्यान देना। 17 का फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन लगाइए, क्रिप्स ऑफ लिवर क्वन एंड बुलनर्स ग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है आर्जेंटिक सेल्स इन स्टोमक सेक्रीट। स्टोमक में आर्जेंटिक सेल क्या सेक्रीट करती हैं? पहला ऑप्शन पेप्सिन, दूसरा म्यूकस, नेक्स्ट एससीएल, नेक्स्ट रेनिन। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। 18 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 19 क्वेश्चन पियर्स पैचेस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर। पहला ऑप्शन है लिम्फोइटिक टिश्यू, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू, नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट हीमोपोइटिक टिश्यू। 19 का जल्दी से आंसर बोलिए फटाफट। 19 का फर्स्ट आंसर सही है। वेरी गुड, 19 का फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लिम्फोइटिक टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 20 द मोमेंट इन द गट वॉल आर नोन एज। गट के अंदर जो मोमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल, डायस्टोल और मेटाक्रोनल। नेक्स्ट है पेरिस्टाइलसिस। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर के मोमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाइलसिस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन सही है। वेरी वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21 ये रहा क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है मेजर एरोसोल पॉपुलेंट इन जेट प्लेन इमिशन इस। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, फ्लोरोक्लोरोकार्बन। देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। 21 क्वेश्चन का 21 फोर्थ ऑप्शन सही है। वेरी वेरी गुड, और सभी आंसर दे रहे हैं सही। 21 का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डिजीज एग्रीवेटेड बाय पॉल्यूशन इस। पहला ऑप्शन दिया गया स्कर्वी, दूसरा है रोमेटिस्म, नेक्स्ट ऑप्शन हीमोफीलिया, नेक्स्ट ऑप्शन ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 22 का फोर्थ ऑप्शन सही है। वेरी वेरी गुड, और सभी आंसर सही दे रहे हैं। वेरी गुड, जितनी तारीफ करो उतनी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर ऑफ बिग सिटीज इज पॉल्यूटेड मोस्टली बाय। पहला ऑप्शन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, नेक्स्ट है पेस्टिसाइड रेसिड्यू, नेक्स्ट है हाउस होल्ड वेस्ट, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव फॉल आउट। 23 का जल्दी से बताइए। 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। वेरी गुड, 23 फर्स्ट ऑप्शन सही, सभी के आंसर सही है। 23 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चीप एयर पोल्यूटेंट विच इज लाइकली टू डिप्लीट ओजोन लेयर इस। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 24 का जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। 24 का फोर ऑप्शन सही है। 24 का फोर्थ ऑप्शन सही है। वेरी गुड,
और लगभग सभी ने आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ पोल्यूटेंट नॉर्मली, इनमें से कौन सा नॉर्मली पोल्यूटेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड। 25 क्वेश्चन है और 25 का सेकंड आंसर सही है। सृष्टि तुम्हारा आंसर गलत, 25 का सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली पोल्यूटेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। 25 का सेकंड आंसर सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 26 क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट एज इट, पहला ऑप्शन है इनएक्टिवेट्स नर्व, नेक्स्ट है इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट कंबाइंड विद ऑक्सीजन, नेक्स्ट कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। 26 का जल्दी से बताइए, सारिका 26 का क्या आंसर है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड सिमरन, फोर्थ ऑप्शन सही है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। 26 का फोर्थ ऑप्शन सही है शिवांश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एसीटेन इज प्रोड्यूस बाय, एसीटेन किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। एक्सेस NO2 एंड CO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल। सर 27 का जल्दी से बताइए, 27 का क्या होगा। और 27 का फर्स्ट आंसर सही है, रोमा नेगी बिल्कुल सही जवाब है। 27 फर्स्ट ऑप्शन सही है, NO2 और SO2 बरसात के पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और वो एसिड रेन कहलाती है। 27 फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूस पोल्यूशन ऑफ, मतलब अगर DDT का छिड़काव करते हैं तो कौन सा पोल्यूशन होगा। एयर एंड वाटर। 28 का जल्दी से बताइए, 28 का क्या होगा, ये क्वेश्चन फास्ट करना है। 28 का फोर्थ ऑप्शन सही है शिवांश, पूरी ताकत झोंक के और बहुत जल्दी ऑप्शन दिया करो अरपासन, बहुत जल्दी। तो एयर वाटर एंड सॉयल, वेरी गुड साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 29 क्वेश्चन है। डोमेस्टिक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट, डोमेस्टिक वेस्ट में क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेबल पोल्यूटेंट, एफ्लुएंट एयर पोल्यूटेंट। 29 क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। 29 का सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड। पुष्पांजलि बिल्कुल सही आंसर, अनुराग सही आंसर, विशाल सही आंसर, आकाश सही आंसर। 29 का सेकंड बायोडिग्रेबल। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉय बाय, पहला ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, नेक्स्ट है स्मोक। 30 का जल्दी से बताइए, 30 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, वेरी गुड पुष्पांजलि, वेरी गुड। 30 का फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये रहा आपके स्क्रीन पर 31 क्वेश्चन। इफ द CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीज द ब्रीदिंग सेल, अगर ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा ब्रीदिंग। पहला इंक्रीज, डिक्रीज, स्टॉप, नो इफेक्ट। 31 का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो, जल्दी से आंसर बोलिए। 31 का फर्स्ट आंसर सही है पुष्पांजलि, यू आर रॉन्ग, विशाल रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ब्रीदिंग क्या होती है, फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 31 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग विद ईच नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है रेसिडुअल वॉल्यूम, नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम, नेक्स्ट टाइडल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड। 32 का थर्ड आंसर सही है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये रहा आपकी स्क्रीन पर द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेशन इफेक्ट इज, पहला ऑप्शन है रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। 33 का थर्ड ऑप्शन सही है, वेरी गुड हर्ष सिमरन, सबसे पहले आंसर हर्ष का आया देन सिमरन, वेरी वेरी गुड।
33 का थर्ड ऑप्शन सही है, वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, मसल अटैच टू डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इज मेक इट। पहला ऑप्शन है फ्लैट, दूसरा डोम शेप, नेक्स्ट कॉनकेव, नेक्स्ट है रोटेट। 34 का जल्दी से बोलिए, 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्नेहल पांडे ने सही जवाब दिया, पुष्पांजलि यू आर रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन सही है। जब डायफ्राम से रिलेटेड मसल्स कॉन्टैक्ट होती हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही, ध्यान दीजिए 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ लूप्स एंड राइट एंड लेफ्ट लंग इज, ह्यूमन के लंग में राइट और लेफ्ट लंग में कितने लूप्स होते हैं। 35 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। 35 का थर्ड आंसर सही है, सिमरन ने जवाब दे दिया है, थर्ड आंसर सही है। राइट में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, 35 का थर्ड आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, मैमेलियन लंग हैव न्यूमरस एल्वोलाई फार, मैमेलियन लंग में बहुत सारे एल्वोलाई पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है। पहला इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, दूसरा है कीपिंग द लंग इन प्रॉपर शेप, नेक्स्ट है हायर नंबर ऑफ मसल टू प्रोवाइड ग्रेटर इलास्टिसिटी, नेक्स्ट है इंक्रीज सरफेस एरिया बार गैसियस एक्सचेंज। 36 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। कोनिका बिल्कुल सही है, अमन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 36 का फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ पल्मोनरी आर लंग डिवाइड इंटू प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। पहला ऑप्शन है ब्रोंकियोल, दूसरा एल्वोलस, नेक्स्ट एयर चैम्बर, नेक्स्ट ट्रैक्यूल्स। 37 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखते हैं 37 का क्या लगाते हो। 37 का सेकेंड ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, सबके आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मेजर पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू रेस्पिरेटरी सरफेस एस। पहला ऑप्शन है बाइकार्बोनेट आयन, दूसरा है कार्बोनिक एसिड, नेक्स्ट है HBCO3, नेक्स्ट है फ्री CO2। 38 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड, 38 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मेजर ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 39 क्वेश्चन, एंड एनोरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ मसल पायरविक एसिड चेंज टू एनोरोबिक रिस्पायरेशन, जब मसल्स में होता है तो पायरविक एसिड किस में चेंज होता है, अल्कोहल, एस्टलडिहाइड, एस्टिल कोएंजाइम ए, लैक्टिक एसिड। 39 का फोर्थ ऑप्शन सही, सस्ती गलत आंसर है, 39 का फोर्थ ऑप्शन सही है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही, एक्युमुलेशन के कारण ही मसल्स में वीकनेस आती है। तो कभी भी अल्फा पूछा जाए, मसल्स में वेटी किसके कारण होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। 39 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एस। पहला है सिग्मॉइड, दूसरा है हाइपरबोलिक, नेक्स्ट है लीनियर, नेक्स्ट है हाइपोबोलिक। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन जल्दी से बताइए, सिवान सिमरन ने बता दिया है, 40 का फर्स्ट आंसर सही है, कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है, वेरी गुड, 40 का फर्स्ट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 41 क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, एपोमैक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। पहला ऑप्शन है विदाउट फ्यूजन अपग्रेड, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम फ्यूजन प्रोड्यूस ऑफ गैमेट, नेक्स्ट है फ्रॉम स्टेम कटिंग, नेक्स्ट है फ्रॉम रूट कटिंग। देखते हैं क्या लगाते हो तुम लोग। 41 का क्या है, विदाउट फ्यूजन अपग्रेड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्नेहल गलत तुम्हारा आंसर, पुष्पांजलि रॉन्ग आंसर, और अमन रॉन्ग आंसर, और सैनी रॉन्ग आंसर। तो इन लोगों के कुछ लोगों के गलत आंसर, सारका अर्पासन बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन इज। पहला ऑप्शन है एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, दूसरा है
पॉली एम्ब्रॉयडरी, नेक्स्ट है पार्थनोकार्पी, नेक्स्ट है पार्थनोजेनेसिस। तो आप 42 का देखते हैं क्या लगाते हो आंसर, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, इसमें टाइम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही है, सेमरा नरानी ने सबसे पहले जवाब दिया है, 42 का फोर्थ ऑप्शन सही है, पार्थनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 43 क्वेश्चन। क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गॉट थ्रू, पहला ऑप्शन है सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हाइब्रिडेशन। 43 का जल्दी से बताइए, 43 क्वेश्चन। स्नेहल पांडे क्या कर रही हो, स्नेहल पांडे गलत आंसर है, 43 का थर्ड आंसर सही है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्लोन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए स्नेहल, ऊट पटांग बोल रही हो, 43 का थर्ड ऑप्शन सही, जल्दी दीजिए फास्ट आंसर दीजिए, सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है, अ पॉपुलेशन ऑफ जनरली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, पहला ऑप्शन है कैलस, दूसरा क्लोन, नेक्स्ट है डेम, नेक्स्ट है एग्रीगेट। 44 क्वेश्चन, 44 का सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, सभी के आंसर सही है, 44 सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है, सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज डिमोनिस्ट्रेटेड बाय, पहला ऑप्शन है स्वान, दूसरा ल्यूवेनहॉक, नेक्स्ट है स्टीवर्ट, नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी किसने डिमोनिस्ट्रेट किया था, 45 का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो, जल्दी से आंसर दीजिए 45 का। 45 सिमरन ने सबसे पहले आंसर दिया, 45 का थर्ड आंसर सही, वेरी वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन सही, 45 थर्ड ऑप्शन सही, स्टीवर्ट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच वन प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन एंथर कल्चर, पहला ऑप्शन है एंथरवाल, दूसरा है टैपिटल लेयर ऑफ एंथरवाल, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट है यंग पोलन ग्रेन्स। देखते हैं 46 का क्या तुम लोग लगाते हो, जल्दी से बताइए, सारिका गलत आंसर। अच्छा हाँ, अभी 46 का सारिका ने आंसर नहीं दिया है, रवि राजन का गलत आंसर आ चुका है, 46 का फोर्थ ऑप्शन षष्ठी का सही सबसे पहले आंसर आया है, तो 46 का फोर्थ ऑप्शन यंग पोलन ग्रेन्स, फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटिपोटेंसी, पहला ऑप्शन है सीव ट्यूब, दूसरा जाइलोमेसिस, नेक्स्ट है मेरिस्टेम, नेक्स्ट है कॉर्क सेल, कौन सी सेल मेरिस्टेम शो टोटिपोटेंसी शो करती है। 47 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और शिवांश ने बढ़िया जवाब दिया है, वेरी गुड, 47 का थर्ड ऑप्शन सही है, मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है, एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत किस में नहीं होती है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, स्पर्मेटोफाइट्स। तो 48 क्या लगाते हो तुम लोग, जल्दी से आंसर बताइए, 48 वेरी गुड सिमरन नरानी एंड पुष्पांजलि, फोर्थ ऑप्शन सही है, 48 फोर्थ ऑप्शन सही है, स्पर्मेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, वेरी गुड, बाकी सब में होती है। क्वेश्चन नंबर 49 सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी की मीनिंग क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, दूसरा है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ स्मॉलर स्पोर्ट्स, नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर्ट्स। 49 क्वेश्चन जल्दी से बताइए, 49 का क्या ऑप्शन, शिवांश ने जवाब दे दिया है, 49 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या कहलाता है, सिनगैमी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन, चाहे सिनगैमी कहें चाहे फर्टिलाइजेशन, दोनों बातें एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, एस्ट्रस साइकिल इज इंडिकेटेड बाय, पहला ऑप्शन है ब्रीडिंग पीरियड, नेक्स्ट है एस्ट्रोजन सेक्रीशन, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है मेनोपॉज। देखते हैं 50 का क्या तुम लोग लगाते हो, शिवांश ने सही जवाब दिया, नीता ने सही जवाब दिया, 50 का फर्स्ट आंसर सही है, एस्ट्रस साइकिल ब्रीडिंग पीरियड होता है इस समय, 50 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर, यूनिसेक्सुअल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप,
ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? पहला ए, ए बी, बी ओ। देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात की गई है, तो 51 का सेकंड ऑप्शन सही है। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। नंबरिंग गलत है, सेकंड सही है ए बी, तो ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का है। द केटायन नेसेसरी फॉर कॉगुलेशन ऑफ ब्लड इस, ब्लड को कॉगुलेट करने के लिए कौन से आयन नेसेसरी हैं? पहला सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड। 52 जल्दी से बताइए 52 का क्या होगा। सैनी ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। वेरी वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। 52 का सेकंड ऑप्शन कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 53 क्वेश्चन, द आर्टरी कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द वेन इज हैविंग, आर्टरी को किस बात से वेन के द्वारा डिफ्रेंशिएट किया जाता है जो आर्टरी में है? पहला ऑप्शन है थिकर वॉल, नेक्स्ट है मोर ब्लड सेल्स, नेक्स्ट है मोर प्लाज्मा, नेक्स्ट है लार्जर कैविटी। तो 53 का देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सृष्टि ने सबसे पहले जवाब दिया, फर्स्ट आंसर सही, थिकर वॉल होती है आर्टरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड इन हैविंग, लिम्फ में क्या, लिम्फ किस बात में ब्लड से डिफर होता है? मोर आरबीसी, लेस डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट है लेस आरबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट है नो आरबीसी, लेस डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट है नो आरबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी। 44 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और देखते हैं 54 क्वेश्चन का क्या आंसर देते हो। 54 का फोर्थ ऑप्शन सही है। लिम्फ में देखा जाए आरबीसी नहीं पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी बहुत होती हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। 54 का फोर्थ ऑप्शन सही है, नो आरबीसी एंड मोर डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 55 क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ द एरिथ्रोसाइट इन मैमिलियन ब्लड इज अबाउट, मैमल्स की आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 55 का चार ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं 55 फर्स्ट आंसर सही है। शिवांश ने सबसे पहले आंसर सही दिया, वेरी गुड, मतलब 120 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन देखिए, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है किडनी एंड लीवर, नेक्स्ट है लीवर टू हार्ट। अच्छा, पहला ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, दूसरा है किडनी टू लीवर, तीसरा है लीवर टू हार्ट, नेक्स्ट है लीवर टू किडनी। 56 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 57 क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए बी हैज, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है? नो एंटीजन, नो एंटीबॉडीज, नाइदर एंटीज, एंटीजन नार एंटीबॉडीज, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। आपको देखना है 57 का क्या ऑप्शन होगा। 57 का सेकंड आंसर सही है, रोमा नेगी ने सबसे पहले आंसर दिया, नो एंटीबॉडीज, एंटीजन दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन आपके सामने, यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप इस, यूनिवर्सल ब्लड डोनर क्या कहलाता है? तो फोर्थ ऑप्शन सही है, 58 का फोर्थ ऑप्शन सही है, शिवांश ने जवाब सही दिया सबसे पहले, जवाब सबके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 59 क्वेश्चन, आरएच फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला ऑप्शन है हार्वे, दूसरा ऑप्शन है लैंडस्टीनर एंड विनर, नेक्स्ट है वाटसन, नेक्स्ट है लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर को किसने डिस्कवर्ड किया है? जल्दी से आप लोग बताइए, सारिका जल्दी से बोलिए, अजगर जल्दी बोलिए, शिवांश ने जवाब दे दिया है, 59 का सेकंड आंसर सही है। आरएच फैक्टर को किसने डिस्कवर्ड किया था? लैंडस्टीनर एंड विनर ने डिस्कवर्ड किया था। 59 का सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके सामने है, हस्बैंड एंड वाइफ शुड नो देयर
RS factor because the situation can be serious due to biological incompatibility in one of the following case. पहला ऑप्शन है RS positive husband and RS positive wife. दूसरा है RS negative husband and RS negative wife. नेक्स्ट है RS negative husband and RS positive wife. नेक्स्ट है RS positive husband and RS negative wife. तो सिस्टी का क्या होगा, जल्दी बताइए. सिस्टी का फोर्थ ऑप्शन सही. जेंटिस के आधार पर, जेंटिस के बेसिस पर RS पॉजिटिव हस्बैंड और RS नेगेटिव वाइफ के बीच में शादी नहीं हो सकती. नेक्स्ट सिस्टी का फोर्थ ऑप्शन सही. नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन आपके सामने है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ सेल ऑफ एम्ब्रियो साइट अदर देन एग इज नोन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ. पहला ऑप्शन है हेपोस्पोरी, दूसरा है हेपोगामी, नेक्स्ट है एडवेंटिव एम्ब्रायोलॉजी, नेक्स्ट है पार्थनोजेनेसिस. 61 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और सुप्रीत गलत आंसर. 61 जल्दी से बताइए, 61 का क्या होगा, थर्ड आंसर सही है. 61 का रोमा नेगी गलत आंसर और पाठक गलत आंसर. 61 का थर्ड ऑप्शन सही है. एडवेंटिव एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है, एडवेंटिव एम्ब्रायोलॉजी. सारिका गलत आंसर, अमन गलत आंसर, थर्ड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 62 क्वेश्चन. द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट टिश्यू, गैमेटोफाइटिक टिश्यू विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेटोफाइट इज. पहला ऑप्शन है एपोस्पोरी, दूसरा है एपोगैमी, नेक्स्ट है एपोमेक्सिस, नेक्स्ट है पार्थनोजेनेसिस. 62 क्वेश्चन आपके सामने है और 62 का सेकेंड आंसर सही है. सेमिरा निरानी ने सबसे पहले सही जवाब दिया. शिवांश गलत आंसर, सुप्रीत गलत आंसर, षष्ठी गलत आंसर. थर्ड एपोगैमी कहा जाता है, एपोगैमी. तो सेकंड ऑप्शन सही है, 62 का सेकंड ऑप्शन सही है. और ये बात मैंने बार बार कहा था, लिख लीजिए, मैंने डिप्रेशन लिखाई भी थी, कल लिखाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज. पहला ऑप्शन है एपोस्पोरी, दूसरा है एपोगैमी, नेक्स्ट है एपो, क्या है, पार्थनोजेनेसिस. क्वेश्चन नंबर 63 जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट. 63 का फर्स्ट ऑप्शन सही है. सिमरन ने दिया सबसे पहले जॉब. 63 का फर्स्ट एपोस्पोरी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन है. पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. नेक्स्ट है सीडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर. नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ पोलन. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट 64 का फर्स्ट ऑप्शन सही है. वेरी गुड, 64 फर्स्ट ऑप्शन सही. नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ये रहा आपकी स्क्रीन पर. हाइड्रोफिली आकर्षण निम्फिया निलुम्बो. नेक्स्ट है इकॉर्निया वेलिस्नेरिया एंड जोस्ट्रा. हाइड्रोफिली किसमें पाई जाती है, 65 क्वेश्चन आपके सामने. जल्दी से आंसर बताइए, 65 का पुष्पांजलि. 65 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड. सारी का गलत आंसर, 65 का फोर्थ ऑप्शन सही है. वेलिस्नेरिया एंड जोस्ट्री में हाइड्रोफिली पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन आपके सामने है. एक मिनट 65 का देखते हैं, एक मिनट 65 क्वेश्चन क्या है. हाँ, वेलिस्नेरिया और जोस्ट्रा फोर्थ ऑप्शन सही है. 66 देखा जाए, 66 क्वेश्चन है क्रिस्टोगामी आकर्षण. पहला ऑप्शन है फेकस, नेक्स्ट है कोमिलाइना, नेक्स्ट है एंथियोसिफेलस, नेक्स्ट है वेलिस्नेरिया. देखते हैं 66 क्या होगा. 66 सेकेंड आंसर सही है, वेरी गुड सारिका. नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. मैच्यूरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर एट डिफरेंट टाइम इन द सेम फ्लावर इज. पहला ऑप्शन है हेट्रोस्पोरी, दूसरा है डाइकोगामी, नेक्स्ट है डाइक्लाइनी, नेक्स्ट है आर्कोगामी. 67 का 67 जल्दी से बताइए, 67 सेकेंड ऑप्शन. आकाश वेरी गुड, नीता वेरी गुड. नीता तुम्हारा आंसर गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही है, डाइकोगैमी कहा जाता है.
डाइकोगैमिस कहा जाता है। नीता ध्यान रखिए, अर्पा आसन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन देखिए, पोलिनेशन आकर्षण ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, दूसरा है टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म एंड फंजाई। 68 क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है नागराज आपका। अच्छा 68 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड। शिवान सिमरन सृष्टि जैनी पप और पुष्पांजलि सबके आंसर सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है? प्लेसमेंट ऑफ एंथर टू स्टिग्मा एट डिफरेंट लेवल। क्या दिया गया? डाइकोगैमी क्या चीज़ होती है? डाइकोगैमी इसमें देखा जाए फोर्थ ऑप्शन सही है, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट लेवल। जब एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहते हैं। तो 69 का फोर्थ ऑप्शन सही है, पुष्पांजलि यू आर रॉन्ग आंसर, पुष्पांजलि यू आर रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन देखा जाए क्या है। 70 है आर्निथोफिली इज अ पॉपुलेशन ऑफ पोलिनेशन बाई, पहला ऑप्शन है मैन, दूसरा वेंट, तीसरा बर्ड, नेक्स्ट बैट। 70 का थर्ड आंसर सही है, सिमरन ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड। और 60 तुम्हारा आंसर गलत है, आर्निथोफिली का मतलब है पोलिनेशन बाई बर्ड्स, थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखिए क्या दिया गया है। द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इन टू यूरिया आकर्षण, तो ये प्रोसेस यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर, तो कहाँ पर होता है? 71 का। शिवांश क्या कर रहे हो भाई, 71 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 71 का फोर्थ ऑप्शन सही है शिवांश, गलत आंसर तुम्हारा। फोर्थ ऑप्शन, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? लीवर में होती है, गलत मत करिए शिवांश। 71 का फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब इन द रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स में नॉर्मल कंडीशन में कम्प्लीटली कौन रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है? पहला ऑप्शन यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट, ग्लूकोज। 72 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, 72 का फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस कंटेन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या पाया जाता है? ब्लड विदाउट सेल्स एंड प्रोटीन, नेक्स्ट है प्लाज्मा विदाउट शुगर, नेक्स्ट है ब्लड विद प्रोटीन बट विदाउट सेल्स। 73 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन है यूरिक एसिड एक्सट्रेटेड इन फ्रॉग, रैबिट, मैन, पिजन, तो यूरिक एसिड का एक्सट्रेशन बर्ड्स करती है, पिजन क्या है? बर्ड्स है, मतलब 74 का फोर्थ ऑप्शन सही, 74 का फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखिए क्या दिया गया। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किडनी के अंदर किस हार्मोन के अंदर कंट्रोल में किया जाता है? पहला ऑप्शन है एसटीएस, दूसरा है एसीटीएस, नेक्स्ट है एलएच, नेक्स्ट है एडीएच। 75 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, अर्पासन, नीता, हर्ष सबके आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड किडनी ऑफ मैन इज अबाउट, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव 75 मिलीमीटर एसडी, नेक्स्ट है प्लस 80 मिलीमीटर एसडी, नेक्स्ट है 20-25 मिलीमीटर एसडी, नेक्स्ट है 50 मिलीमीटर एसडी। 76 का थर्ड ऑप्शन सही है, पुष्पांजलि, सारिका, स्नेहल सबके आंसर सही, थर्ड ऑप्शन सही है 20-25 मिलीमीटर एसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एस, पहला ऑप्शन है यूरिया इन टैडपोल एंड अमोनिया इन एडल्ट फ्रॉग, दूसरा ऑप्शन अमोनिया इन टैडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, नेक्स्ट यूरिया इन बोथ टैडपोल एंड एडल्ट फ्रॉग, नेक्स्ट यूरिया इज टैडपोल एंड
यूरिक एसिड इन एडल्ट प्लॉक, तो 77 का सेकेंड ऑप्शन सही है। आकाश, सारिका, हर्ष, रवि, सभी के आंसर सही। अमन, सेकेंड आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच ब्लड वसल्स कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, किस ब्लड वसल्स में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है? हिपैटिक वेन, रेनल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, रेनल आर्टरी। 78 का सेकेंड ऑप्शन सही। षष्टी ने सबसे पहले जवाब दिया, आकाश आपका आंसर गलत। आकाश का आंसर गलत, रेनल वेन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। नीता सही, शिवान सही, स्नेहल, सिमरन, षष्टी, अर्पासन, सभी के आंसर सही, सेकेंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज कॉल्ड, अगर यूरिन में आरबीसी आती है तो उसे क्या कहते हैं? एन्यूरिया, हिमेटोयूरिया, ग्लाइकोसोरिया, कीटोयूरिया। देखते हैं 79 सेकेंड आंसर। पुष्पांजलि, षष्टि, शिवान, सिमरन, आकाश, साधना, सबके आंसर सही। 79 का सेकेंड आंसर सही है। अगर ब्लड में यूरिन में ब्लड आने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? हिमेट यूरिया कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन देखिए। द ब्लड वसल्स टेकिंग ब्लड फॉर्मिंग ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन कैप्सूल इज, पहला ऑप्शन एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, रेनल वेन, नेक्स्ट है रेनल पोर्टल वेन। देखते हैं 80 का क्या होगा। 80 का फर्स्ट आंसर सही है। हर्ष ने जो आप सही दिया गया है, तो ब्लड वसल्स टेकिंग ब्लड फॉर्मिंग ग्लोमेरुलस, तो एफरेंट आर्टेरियोल बोमेन कैप्सूल के अंदर डिवाइड होकर के कैपिलरी का ग्रुप बनाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अर्पासन और नागराज बिल्कुल सही आंसर, तो एफरेंट आर्टेरियोल बनाती है, फर्स्ट आंसर। सिमरन हैरानी, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स, क्लीवेज के लिए क्या बात सही है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन अनचेंज, साइज डज नॉट इंक्रीज, नेक्स्ट है देयर लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, द डिवीजन इज लाइक मियोसिस। तो 81 का देखते हैं क्या लगाते हो। शिवांश का आंसर सही है, 81 का सेकेंड ऑप्शन सही। 81 का सेकेंड ऑप्शन सही है, मतलब साइज डज नॉट इंक्रीज, साइज नहीं बढ़ता है। और ये ऑप्शन सभी ने गलत लगाया है कुछ लोगों को छोड़ करके। 81 का सेकेंड आंसर सही, जरूर याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ह्यूमन प्लेसेंटा इज, पहला ऑप्शन हीमोकोरियल, नेक्स्ट है सिंडेस्मोकोरियल, नेक्स्ट है वायोक्सैक, नेक्स्ट है हीमो इंडोथीलियल। 82 क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दीप्ति आपका आंसर गलत है, दीप्ति सरकार गलत आंसर। 82 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अपन लोगों में प्लेसेंटा कैसा होता है? हीमोकोरियल होता है, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन केवल प्रेगनेंसी पीरियड में होता है। अर्पासन कोनिका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया गया है। एलेंटोइस इज अ एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन फाउंड इन, पहला ऑप्शन है मैमल्स, नेक्स्ट बर्ड्स, नेक्स्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। 83 का देखते हैं, 83 का फोर्थ ऑप्शन सही है। सारिका ठाकुर तुम्हारा आंसर गलत है, दीप्ति गलत आंसर, सिमरन गलत आंसर, आकाश गलत आंसर, कोनिका चौधरी गलत आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ये बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल तीनों में पाई जाती हैं। तो तुम्हें याद रखना है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन के अंतर्गत एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस आती हैं, और ये बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स तीनों में पाई जाती हैं, ध्यान रखना है। तो 83 का फोर्थ ऑप्शन सही, ये क्वेश्चन सिमरन गलत नहीं होना चाहिए था। 84 क्वेश्चन है अम्बिलिकल कार्ड कंटेन, अम्बिलिकल कार्ड में क्या पाया जाता है? पहला है अम्बिलिकस, दूसरा प्लेसेंटा, तीसरा डिस्कस प्रोलीगेरस, नेक्स्ट है एलेंटोइक आर्टरी एंड वेन। 84 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, और 84 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है। सारिका आपका आंसर गलत,
और अजगर अली आंसर गलत है, साधना गलत आंसर है, 84 का फोर्थ ऑप्शन सही है। एलेंटोइक आर्टी और वेन का ग्रुप होता है अम्बिलिकल कार्ड में, 84 का फोर्थ ऑप्शन सही। सोच समझ करके आंसर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, क्या दिया गया है? जस्टेशन पीरियड इज ड्यूरेशन ऑफ बिटवीन एग ग्रोथ एंड ओवुलेशन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑफ फर्टिलाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन बिटवीन पार्चुरेशन एंड सेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन। 85 का देखते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या दिया गया? वेस्कुलर एंड एक्सक्रीटी ऑर्गन आर फॉर्म फ्रॉम। वेस्कुलर और एक्सक्रीटी ऑर्गन का फॉर्मेशन किससे होता है? इंडोडर्म, मेजोडर्म, एक्टोडर्म, नन ऑफ दिस। तो इनका फॉर्मेशन मेजोडर्म से होता है। 86 का सेकंड आंसर सही। सारिका ठाकुर ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड पुष्पांजलि। तो 86 का सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट किससे होता है? पहला ऑप्शन इक्टोडर्मल, मेंडोडर्मल, मेजोडर्मल, ऑल ऑफ द अबव। तो 87 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब एक्टोडर्मल होता है, वेरी गुड। सभी के आंसर कोनिका, रवि, अर्पासन, स्नेहल, साधना, नीता, अमन, स्वप्रीत, हर, सबके आंसर सही है, एक्टोडर्म से डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। इनमें से एक एक्टोडर्म से डेवलप होता है। पहला लीवर एंड हार्ट, दूसरा नोटोकार्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम, नेक्स्ट है स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन, नेक्स्ट है आई एंड स्किन। 88 का देखते हैं क्या लगाते हो। 88 का थर्ड आंसर सही है और 60 आपका आंसर गलत है। सारिका आपका आंसर गलत है। तो 88 का थर्ड आंसर सही है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है, गोनेट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रायनिक। गोनेट का डेवलपमेंट किससे होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म, ऑल ऑफ द अबव। 89 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 89 का शिवांश ने जवाब दे दिया है, थर्ड आंसर सही है। पुष्पांजलि यू आर रॉन्ग आंसर, पुष्पांजलि यू आर रॉन्ग आंसर। 89 थर्ड आंसर सही है। गोनेट का डेवलपमेंट मतलब टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट मेजोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है? स्पर्मेटोजेनेसिस चेंजेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, नेक्स्ट है स्पर्मेटिड टू स्पर्म। क्या ऑप्शन सही है? 90 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, मतलब क्या दिया गया? पर स्पर्मेटिड टू स्पर्म, फोर तो है नहीं, 90 का थर्ड ही लगा दीजिए। चलिए थर्ड लगा दीजिए, सही आंसर है थर्ड। वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की गई है चेंज, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? थर्ड ऑप्शन सही है और कोई सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 91 क्वेश्चन है, स्कल ऑफ रैबिट एंड मैन इज। पहला ऑप्शन है मोनोकंडाइलिक, दूसरा डाइकंडाइलिक, नेक्स्ट ट्राइकंडाइलिक, नेक्स्ट टेट्राकंडाइलिक। 91 का सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही। 91 का सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे आइए। इन मैमल्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज ऑलवेज। मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होता है? 7, 9, 1, 12। तो 91 का देखते हैं, 91 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, कितने होते हैं? 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन देखिए, 93 है अ डेल्टॉइड डिस अकर्स इन। पहला ऑप्शन रेडियस, दूसरा अल्ना, नेक्स्ट फीमर, नेक्स्ट ट्यूमरस। 93 क्वेश्चन आपके सामने है,
जल्दी से आंसर बताइए 93 का। डेल्टॉइड रिज किस में पाया जाता है? फोर्थ ऑप्शन सही है, सुप्रीत ने सबसे पहले जवाब दिया है। और आकाश आपका आंसर गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही है षष्ठी। पुष्पांजलि कृतिका सही आंसर, नीता अर्पासन सही आंसर। 93 का फोर्थ ऑप्शन सही है, ह्यूमरस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज लेसन इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बाय, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फ्रिक्शन को कौन कम करता है? पहला ऑप्शन है सिरोमिक फ्लूइड, दूसरा है साइनोवियल फ्लूइड, नेक्स्ट है पेरिकार्डियल फ्लूइड, नेक्स्ट है म्यूसिन। 94 का सेकंड, अरे 94 का सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, सेकंड सही है। सब अजगर अली सही आंसर, अमन सही, कृतिका चौधरी, हर्ष कुमार, अर्पा हसन सबके सही आंसर, सारिका सही आंसर, साइनोवियल फ्लूइड सेकंड। 95 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्सिस वर्टिब्री इज आइडेंटिफाइड बाय, एक्सिस वर्टिब्री को किससे पहचानते हैं? सिग्मॉइड नोस, ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोइड प्रोसेस और ओलिक्रैनियल प्रोसेस, किसके द्वारा पहचानते हैं? 95 का थर्ड ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही, 95 का थर्ड आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे आप आइए। 96 है हिंज जॉइंट अकर्स बिटवीन, हिंज जॉइंट किस किस के बीच में पाया जाता है? ह्यूमरस एंड अल्ना, दूसरा है फीमर एंड पेल्विक गर्डल, नेक्स्ट है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, नेक्स्ट है स्कल एंड एटलस। 96 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 96 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है, 96 फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन एन आर्म्स इज, हाथों में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 30, 32, 35, 40, देखते हैं क्या लगाते हो। 97 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, कितनी पाई जाती है? 30 बोन्स पाई जाती हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है सिग्मॉइड नोच ओलिक्रैनियल प्रोसेस इज फाउंड इन, पहला ऑप्शन है टीबियो फेबुला, नेक्स्ट फीमर, नेक्स्ट है रेडियो अल्ना और नेक्स्ट है ह्यूमरस। 98 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 98 का जवाब जल्दी से दीजिए आप लोग, और शिवांश ने दे दिया है 98 का थर्ड ऑप्शन सही है, रेडियो अल्ना। एक्चुअल में ये अल्ना में पाया जाता है, रेडियस में नहीं पाया जाता है साधना, तो अल्ला एक्चुअल में सही आंसर अल्ला होगा, अब ऐसा दिया नहीं है तो रेडियो अल्ला आप लगाइए। 98 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शेला टर्सिका इज डिप्रेशन ऑफ लॉन्ग बोन, नेक्स्ट है रेस ओवर अ बोन, डिप्रेशन इन द स्कल इन द एरिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट है रेस इन द स्कल ओवर द एरिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। 99 का थर्ड आंसर सही है, आकाश बिल्कुल सही, सिमरन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन सही, डिप्रेशन इन स्कल इन द एरिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अमन बिल्कुल सही आंसर, अर्फा बिल्कुल सही आंसर। 100 क्वेश्चन आपके सामने है, 100 क्वेश्चन क्या दिया गया है, नंबर ऑफ बोन्स इन लोअर जा इन ह्यूमन इज, ह्यूमन के लोअर जा में नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? हाफ में पूछा गया है, पूरे लोअर जा में नहीं पूछा गया है, तो 100 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फर्स्ट आंसर सही है, साधना ने सही जवाब दिया, सुप्रीत ने गलत जवाब दिया। 100 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सिमरन सही आंसर, अजगर अली, आकाश, नीता, अर्पासन, अमन, सुप्रीत, हर्ष, पुष्पांजलि, कृतिका, सारिका, रवि, अनमोल, सभी के आंसर सही हैं, फर्स्ट आंसर सही है, वेरी वेरी गुड। अब 2 मिनट का विश्राम, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन शुरू। आप सही सही बताइए 100 में कितने सही कितने गलत, और उसके बाद 2 मिनट के बाद तुरंत आगे क्वेश्चन शुरू कर देंगे, क्योंकि 500 क्वेश्चन कराना है मुझे, सॉरी 250 क्वेश्चन कराना है, 250 क्वेश्चन कराना है। केवल 2 मिनट का रेस्ट, और जल्दी बताइए 100 में कितने गलत कितने सही। सुप्रीत के 4 गलत, अमन
सेमरा नैरानी के 3 गलत, आकाश के 4 गलत और रवि के 3 गलत, स्नेहलल 2 गलत। नीता तुम्हारे बहुत गलत हो रहे हैं भाई, नीता चोपड़ा बहुत गलत हैं, शिवांश 3 गलत, षष्ठी 4 गलत, पुष्पांजलि बहुत रॉन्ग हो रहे हैं, अर्पा आसन 3 गलत, वेरी गुड, साधना 5-6 गलत, ज़्यादा गलत हैं, कृतिका 5 गलत, ज़्यादा गलत हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन रॉन्ग होने चाहिए थे, वैसे किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। और तुम लोगों की जो डिमांड थी, अब जो क्वेश्चन अब कराएंगे कल से, पुष्पांजलि हाँ रवि वैक्सीन लेना बहुत सही है, वैक्सीन लेना चाहिए रवि। और कल से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 30 क्वेश्चन बायो के होंगे। मतलब अब कंप्लीट बायो को ले करके अब क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा साधना ने कहा है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साधना की बात को मान लीजिए। साधना को लगा है कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब लोग मान लीजिए साधना की बात। साधना थैंक यू। और कल से हम कैसे बनेंगे डॉक्टर, क्या करना चाहिए, वो स्कीम पर अब हम कल से शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। और चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब 1, 2, 3, अब 101 नहीं कहेंगे, 1 कहेंगे, 1 का मतलब 101। और तुम्हें मालूम है टारगेट नीट 2021, अब हम टारगेट नीट के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। और अब जो भी चूक गया वो गया काम से, अब हम बहुत विकराल रूप में आने वाले हैं। अब प्रैक्टिस शीट कल से हम शुरू करेंगे, इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे और बायो के भी क्वेश्चन होंगे। और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अब आपको मालूम है केवल 60 डेज बचे हैं हमारे पास, 60 डेज अब बचे हैं। अब हम 60 आपको प्रैक्टिस सीट कराएंगे। और अरे सृष्टि ऐसा नहीं है, सृष्टि ऐसा नहीं है, तुम लोग डॉक्टर बन जाओ और डॉक्टर बन जाओगे तो बुढ़ापा में हमारा इलाज करोगे ना, जैसे हम फ्री पढ़ा रहे हैं वैसे सृष्टि तुमको इलाज करना पड़ेगा फ्री, ठीक है। और ये बात तुमको मैंने पहले ही बताया है कि मेरी 2 लड़कियां डॉक्टर हैं, तो एक दिन मेरे दिमाग में बात आई कि 2 ही क्यों डॉक्टर हैं, इस भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं लड़के और लड़कियां, तो सभी डॉक्टर क्यों नहीं हैं। और यही दिमाग में बात आई और मिशन मैंने लेकर के आपके सामने आया, और आप लोगों का पूरा पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। और ऐसे सहयोग करते रहिए और लगातार हम तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो अब हम प्रैक्टिस सीट क्वेश्चन कराएंगे, इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे और बायो के क्वेश्चन होंगे। और इसमें बहुत बड़ी विशेषता ये है कि फिजिक्स के हर क्वेश्चन का सलूशन जस्ट क्वेश्चन के बाद तुमको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन तुमने किया, तुमने सही किया या गलत, उसके बाद तुरंत हम तुमको सलूशन देंगे। तो क्वेश्चन सलूशन, क्वेश्चन सलूशन, जैसे किसी के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपने क्वेश्चन में कहाँ पर गलती की है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अब जो ये सीरीज ज्वाइन करना छोड़ देगा उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा उसका।
तो चलिए पुष्पांजलि, शुरू किया जाए षष्टि, फिर से मिशन अपना। और आज का पहला क्वेश्चन 101 को हम वन काउंट करेंगे, 101 को हम वन काउंट करेंगे। पर्पज ऑफ ट्यूबेक्टॉमी इज टू प्रिवेंट, पहला ऑप्शन है क्वाइटिस, दूसरा एग फॉर्मेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। वन का देखते हैं क्या लगाते हो, वन का थर्ड आंसर सही है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड आंसर सही। फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए किया जाता है। टू क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, पहला ऑप्शन है किलिंग ऑफ ओवा, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, नेक्स्ट है किलिंग द स्पर्म, नेक्स्ट है फॉर्मेशन बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। क्वेश्चन नंबर दो का सेकेंड ऑप्शन सही है, यह प्रिवेंट करता है ओवुलेशन का। टू का सेकेंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन पे आप आइए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा LH, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन, नेक्स्ट है GH। क्वेश्चन नंबर थ्री का देखते हैं क्या आंसर आता है तुम लोगों का, जल्दी से बताइए। थ्री का थर्ड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, थर्ड आंसर सही है, प्रोजेस्टेरोन आंसर सही है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, क्या है कॉपर्टी लूप प्रिवेंट, पहला ऑप्शन है ओवुलेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट जायगोट फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्लीवेज। चार का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो, जल्दी से आंसर बताइए चार का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चार का सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्यूबेक्टॉमी ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म ऑन बोथ मेल एंड फीमेल, दूसरा मेल ओनली, नेक्स्ट फीमेल ओनली, ओनली प्रेग्नेंट फीमेल, देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। फाइव का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। नागराज तुम्हारा आंसर गलत है, फाइव का थर्ड आंसर सही है, वरुण सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया गया है, जिब्रेलिक एसिड क्या दिया गया है, सिक्स क्वेश्चन है मेथड ऑफ स्टिलाइजेशन इस, पहला ऑप्शन है IUDCB, नेक्स्ट है डायफ्राम, नेक्स्ट है ट्यूबेक्टॉमी, नेक्स्ट है लूप। सिक्स क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर आता है, सिक्स का थर्ड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, थर्ड आंसर सही है सिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है, एमनियोसेंटेसिस इज एम्प्लॉयड फॉर डिटरमाइनिंग, पहला ऑप्शन है हेरिडिटी एबनॉर्मलिटीज इन एम्ब्रियो, नेक्स्ट है कार्डियक अलाइनमेंट ऑफ एम्ब्रियो, नेक्स्ट है एरर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, हेरिडिटी एबनॉर्मलिटीज इन एम्ब्रियो, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेवन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सबका गलत आंसर। नीता चोपड़ा ने सिर्फ आंसर सही दिया है, सेवन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, हेरिडिटी एबनॉर्मलिटीज इन एम्ब्रियो का पता लगाया जाता है, तो सेवन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर एट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल बैरियर यूज इन बर्थ कंट्रोल, पहला ऑप्शन है कॉपर्टी डायफ्राम लूप, नेक्स्ट है डेलकॉन शील्ड, देखते हैं एट का क्या आंसर है। एट क्वेश्चन का सेकंड आंसर सही है शिवांश, वेरी गुड, मतलब डायफ्राम सही आंसर है एट का सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन ध्यान से पढ़िए अनमोल, क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहला ऑप्शन है MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, दूसरा है चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का देखा जाए, नाइन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सिमरन ईरानी ने सबसे पहले आंसर दे दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस सहेली एंड ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल वॉज डेवलप इन,
पहला ऑप्शन है एम्स, नेक्स्ट है IICB कोलकाता, नेक्स्ट है SGPGI लखनऊ, नेक्स्ट है CDRI लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 10 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पर पाया जाता है? हार्ट ऑफ इंसेक्ट, ब्रेन ऑफ अर्थवर्म, हार्ट ऑफ रैबिट, ब्रेन ऑफ रैबिट। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 11th का फोर्थ ऑप्शन सही है, ब्रेन ऑफ रैबिट पे पाया जाता है। 11th क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही है, सृष्टि आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखिए, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेटासिल कैविटी, नेक्स्ट है राइनोसिल, नेक्स्ट है पैरासिल, नेक्स्ट है डायोसिल कैविटी। तो 12 का क्या होता है क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताइए 12 का क्या होगा? 12 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 12 का फोर्थ ऑप्शन सही है, डायोसिल कैविटी कहते हैं, चाहे थर्ड वेंट्रिकल कहें चाहे डायोसिल कैविटी कहें, दोनों बातें एक हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, 12 का फोर्थ ऑप्शन, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आइए, विच वन इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? क्लोजिंग ऑफ आई साइड, फ्रिंकिंग, रिलीज ऑफ सलाइवा एंड क्या है, सेइंग स्वीट्स, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन ड्यू टू हीट, नेक्स्ट है ओबोइंग द ऑर्डर टू रन। देखते हैं 13 का क्या आंसर सही है, 13 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन सही है, 13 का फोर्थ ऑप्शन सही है, सभी का आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन अ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन और मैमल्स में नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं? 14 क्वेश्चन है और 14 का जल्दी से बताइए क्या होगा, 14 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, थर्ड आंसर सही है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं मैमल्स और ह्यूमन सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, प्योरली मोटर नर्वेस, पहला ऑप्शन है ऑप्टिक, दूसरा एब्ड्यूसेंस, नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक, नेक्स्ट पैलेटाइन। तो 15 का क्या आंसर सही है, जल्दी से बताइए 15 का सेकंड ऑप्शन सही है, एब्ड्यूसेंस जो है वो प्योरली मोटर नर्व है, एब्ड्यूसेंस। पुष्पांजलि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द बॉडी ऑफ होम्योथर्मल एनिमल एंड मैन इज फाउंड इन, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं? 16 क्वेश्चन जल्दी से बताइए, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं? थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, 16 का थर्ड मतलब हाइपोथर्मस में पाए जाते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपके सामने है, द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेरिबेलम इज, क्या कहलाते हैं जो सेरिबेलम के अंदर ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है? आर्बर वाइटी, आर्बोरियल, आर्केंट्रॉन, एरो क्या है, एरोल। तो देखते हैं 17 का क्या लगाते हो, 17 का फर्स्ट आंसर सही है, आर्बर वाइटी कहा जाता है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन मैन इज, मनुष्यों में स्पाइनल नर्व का नंबर कितना है? 31 पेयर्स, 32 पेयर्स, 12 पेयर्स, 29 पेयर्स। तो देखते हैं 18 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड सृष्टि, सबसे पहले सृष्टि ने दिया है। अपन लोगों में ह्यूमन में या मैमल्स, ह्यूमन में 31 पेयर पाई जाती हैं स्पाइनल नर्व, और क्रेनियल नर्व 12 पेयर पाई जाती हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ नर्व इम्पल्सिस, पहला ऑप्शन है फिजिकल, दूसरा केमिकल, नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल, नेक्स्ट है बायोफिजिकल। 19 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और जल्दी से आंसर दीजिए 19 का। शिवान सिमरन जल्दी से आंसर दीजिए, अरफा हसन, 19 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड,
19 का थर्ड आंसर सही है इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। सिमरन ईरानी गलत आंसर, सिमरन ईरानी गलत आंसर, थर्ड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, 19 का थर्ड आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इस, ब्रेन की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, पायामेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, कोराकोइड, एरेक्नॉइड। तो 20 का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो, जल्दी से बताइए अनमोल। वेरी गुड, सेकंड पुष्पांजलि ने कहा सेकंड, वेरी गुड। ड्यूरामेटर सबसे बाहर की होती है, पायामेटर सबसे अंदर की होती है और एरेक्नॉइड मिडिल होती है। तो सेकंड ऑप्शन 20 का सही। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन, पहला ऑप्शन है पिजन पी, गार्डन पी, वाइल्ड पी, स्वेट पी, किसके ऊपर वर्क किया था 21 का, जल्दी से बताइए। 21 षष्ठी गलत आंसर, पुष्पांजलि सही आंसर, षष्ठी को छोड़ करके बाकी सभी के आंसर सही, मतलब गार्डन पी के ऊपर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी के ऊपर किया था, षष्ठी गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कैपिटल आर एंटी रैनम स्नैपड्रैगन इज क्रॉस्ड विद वाइट WW, वन ऑफ स्प्रिंग क्या दिया गया, वन ऑफ स्प्रिंग RW पिंक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हाइब्रिड सप्लीमेंट्री जीन्स। देखते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, 22 का सेकेंड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, यह इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विच इज़ द डोमिनेंट ट्रेट कलर ब्लाइंडनेस एल्बिनिस हेमोफीलिया RS फैक्टर, कौन सा इनमें से डोमिनेंट ट्रेट है। 23 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और 23 का शिवांश ने जो आप सही दिया है, फोर्थ ऑप्शन सही है, RH फैक्टर एक डोमिनेंट ट्रेट है, RH फैक्टर, नागराज गलत आंसर, नागराज गलत आंसर, 23 का फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या दिया गया है, स्मॉल टी मेट विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हाट विल बी द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग, 75% रेशियो, 50% रेशियो, 25% रेशियो, ऑल डोमिनेंट। तो देखते हैं 24 का क्या तुम लोग लगाते हो, 24 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर का इंतज़ार। और 24 शिवांश ने जो आप सही दिया है, हर्ष गलत आंसर, हर्ष गलत आंसर, शिवांश का जो आप सही है सेकंड ऑप्शन सही है, 50% रेशियो प्राप्त होंगे, 50% रेशियो प्राप्त होंगे, सेकंड ऑप्शन सही है, 24 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन है मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंसी इनकम्प्लीट इनहेरिटेंसी मल्टीपल एलेलिस नेक्स्ट है एपिस्टेसिस। 25 क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है, नागराज गलत आंसर आपका है, 25 का थर्ड आंसर सही है, मतलब मल्टीपल एलेलिज्म सही आंसर है, रवि सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है मेंडल डिड नॉट प्रपोज, मेंडल ने क्या नहीं प्रपोज किया था, डोमिनेंसी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 मेंडल ने क्या प्रपोज नहीं किया था, सुप्रीत गलत आंसर, आकाश गलत आंसर, पुष्पांजलि यू आर रॉन्ग आंसर, सेकेंड ऑप्शन सही है, मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नहीं दिया था, कृतिका गलत आंसर, नागराज गलत आंसर, सेकेंड ऑप्शन सही है, मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नहीं दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी किसने दिया था, कार्ल कोरेंस ने दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी फर्स्ट टाइम गिवन बाय कार्ल कोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है अ डाई हाइब्रिड कंडीशन, पहला ऑप्शन स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इनमें से डाई हाइब्रिड कंडीशन कौन सी है, 27 क्वेश्चन है पहचानना है, जल्दी से बताइए। षष्ठी सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर डाई हाइब्रिड कंडीशन है,
27 फोर्थ ऑप्शन सही। 28 क्वेश्चन, गर्मीट ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंडिविजुअल कैन बी, गर्मीट कौन कौन वर्ब से बनते हैं। 28 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए 28 का क्या होगा, आपके आंसर का इंतजार है हमें। 28 का फोर्थ ऑप्शन सही है। सबसे पहले शिवांश ने जवाब दिया फोर्थ ऑप्शन सही, साधना हर्ष अनमोल सबके आंसर सही, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, पीलियोट्रॉपिक जीन हैज मल्टीपल जीनोटाइप, सिंगल जीनोटाइप, सिंगल फिनोटाइप और मल्टीपल फिनोटाइप। 29 क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं क्या आंसर लगाते हो 29 का। अजगर अली देखते हैं क्या लगाते हो। शिवांश ने फोर्थ का है, वेरी गुड सृष्टि, गलत आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है मल्टीपल फिनोटाइप। मतलब अगर जो एक जीन एक से अधिक करेक्टर पर कंट्रोल करती है तब उसे क्या कहते हैं, पीलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है 29 का फोर्थ। क्वेश्चन 30 क्या दिया गया, एन ऑर्गेनिज्म में टू आइडेंटिकल एलील इस, पहला ऑप्शन है डोमिनेंट, दूसरा है हाइब्रिड, नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस, नेक्स्ट है होमोजाइगस। 30 का देखते हैं क्या आंसर लगाते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से जवाब दीजिए 30 का। 30 का फोर्थ ऑप्शन सही है। सबसे पहले षष्ठी का जवाब आया फोर्थ, वेरी गुड षष्ठी, फोर्थ ऑप्शन सही है 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 हार्मोन में भी, हार्मोन क्या होते हैं, स्टीरॉयड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ऑल ऑफ द अबव। 31 क्वेश्चन आपके सामने है। 31 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड। और 31 का फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले शिवांश का है, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एलेक्जॉन ट्रीटमेंट डिस्ट्रॉय, अगर जो एलेक्जॉन ड्रग यूज की जाती है तो क्या नष्ट हो जाता है। 32 का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। 32 क्वेश्चन, एलेक्जॉन ड्रग किसे नष्ट करती है। 32 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड वेरी गुड सुप्रीत, फोर्थ ऑप्शन सही है, षष्ठी सही आंसर। 34 का फोर्थ ऑप्शन, बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 33 क्वेश्चन, द हार्मोन विच ब्रिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज, पहला ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, गैस्ट्रिन, कोलेस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन। 33 क्वेश्चन, 33 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन देखिए, द ग्लैंड विच इज एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन इज, कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो एक्जोक्राइन इंडोक्राइन दोनों है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, लीवर। 34 का थर्ड आंसर सही है शिवांश, पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, सेकेंड नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अर्पासन क्या सोच के लगा रही हो पिट्यूटरी, द ग्लैंड विच इज एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन इज, तो पैंक्रियास, पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, इसमें एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, द हार्मोन सेक्रेटिन इज प्रोड्यूस बाय, हार्मोन सेक्रेटिन कहाँ से सेक्रेट होता है। 35 जल्दी आंसर बताइए, 35 बहुत जल्दी आंसर बताइए। 35 का फोर्थ आंसर सही है, वेरी गुड शिवांश, फोर्थ ऑप्शन सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट पैंक्रियास, फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है। 36 क्वेश्चन जल्दी से बताइए आंसर, 36 क्वेश्चन, 36 का थर्ड आंसर सही है, सिमरन रानी ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड, तो 36 का थर्ड आंसर सही है, एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन,
37 क्वेश्चन जल्दी से देखिए क्या है। 37 क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज मैमलिस कंट्रोल्ड बाय, पहला ऑप्शन FSH, LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड, FSH कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या है, द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस इज सेक्रेटेड बाय, पहला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल्स और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। 38 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, 38 का थर्ड आंसर सही है, लीडिंग सेल से सिक्रीट होता है। 39 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ एजिंग, द डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ विच ग्लैंड बाय लेट मिडिल एज इन द प्राइमरी काज ऑफ एजिंग, पहला थायरॉयड, दूसरा पैराथायरॉयड, नेक्स्ट थाइमस, नेक्स्ट पिट्यूटरी लोब ऑफ क्या, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। 39 का थर्ड आंसर सही है, थाइमस ग्लैंड मैच्योरिटी के समय नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विद, मैमेलियन थाइमस का संबंध किससे है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, सेक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन। तो थर्ड आंसर सही है, 40 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, 40 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 41 क्वेश्चन आ चुका है। 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्युरेशन इज नॉट हेरिडिटी, मेंशन आर नॉट हेरिडिटी, पहला ऑप्शन है जेनेटिक, नेक्स्ट है सोमैटिक, नेक्स्ट है म्यूटेशन आर नॉट हेरिडिटी, जर्मिनल, नेक्स्ट है गैमेटिक। तो क्या आंसर है, 41 का सेकंड आंसर सही है, मतलब सोमैटिक म्यूटेशन हेरिडिटी नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन आदिति उपाध्याय सेकंड आंसर सही है, 62nd आंसर सही है, सोमैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी पास डाउन, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी किसके द्वारा पास डाउन होती है, थ्रू बैक्टीरियोफेज, नेक्स्ट है पैटर्निटी, नेक्स्ट है मैटर्निटी, नेक्स्ट है बाई पैटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 42 का थर्ड ऑप्शन सही है, 42 का थर्ड आंसर सही, पुष्पांजलि यू आर रॉन्ग, मैटर्निटी सही आंसर है, मैटर्निटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या है, हु स्टडीज सेक्स लिंग इनहेरिटेंसी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले सेक्स लिंग इनहेरिटेंसी की स्टडी किसने किया था, मार्गन, खुर्राना, पोस्चर, वान एलमेंट। 43 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर सही है, सबसे पहले किसने स्टडी किया था, मार्गन ने स्टडी किया था, तो 43 का फर्स्ट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन यह है, हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वोमेन, देयर ऑफ स्प्रिंग विल बी ऑल नॉर्मल, ऑल हीमोफिलिक, नेक्स्ट है ऑल बॉयज हीमोफिलिक, ऑल गर्ल हीमोफिलिक। ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट आंसर सही है, 44 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, अल्फा सही आंसर, बिल्कुल 100% फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपके सामने है, अ मैन विद इनलार्ज ब्रेस्ट क्या है, सेप्रेस बॉडी हेयर एंड एक्सेस वाई क्रोमोजोम्स इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, सुपर फीमेल। क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड आंसर सही है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज ट्रू इन केस ऑफ हनीबी, हनीबी के केस में कौन सी बात सही है, मेल डिप्लॉयड, फीमेल हैप्लॉयड, मेल डिप्लॉयड, फीमेल डिप्लॉयड, मेल हैप्लॉयड, फीमेल हैप्लॉयड, नेक्स्ट है मेल हैप्लॉयड, फीमेल डिप्लॉयड। 46 का फोर्थ ऑप्शन सही है, आदित्य गलत आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है, आदित्य उपाध्याय फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपकी स्क्रीन पर है, 47 क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैज 44XXY, 44X0, 45XY, 66XXY, 47 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड,
44XXY फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है पॉइंट म्यूटेशन इज, पहला ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा थैलेसीमिया, नेक्स्ट ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम। 48 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय, लिंकेज को किसने डिस्कवर्ड किया था, पुनेट, मेंडल, मुलर, मार्गन। तो 49 का फोर्थ ऑप्शन सही है। 49 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 49 फोर्थ, मार्गन ने डिस्कवर्ड किया था लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है व्हाट काज म्यूटेशन, म्यूटेशन को कौन पैदा करता है, कोल्चिसिन, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन कौन पैदा करता है। 50 का थर्ड आंसर सही है, गामा रेस म्यूटेशन पैदा करती हैं। क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है बेसिक यूनिट आर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज, बेसिक यूनिट कौन सी होती है स्पीसीज। मतलब 51 का फर्स्ट आंसर सही है, 51 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर सही है स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या दिया गया है, होमियोस्टेसिस इज, होमियोस्टेसिस क्या होती है, टेंडेंसी टू चेंज विथ चार्ज इन चेंज इन एनवायरमेंट। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू रिजिस्ट चेंज। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल क्या है, एक्सक्रीट यूज इन होम्योपैथी। देखा जाए कि बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक जैसा बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो 52 का सेकेंड आंसर सही, 52 का सेकेंड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, पहला ऑप्शन है डी कैंडल, होकर, नेक्स्ट है लीनियस, नेक्स्ट है अरिस्टोटल। 53 क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है, लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन आपके सामने है द टर्म स्पीसीज वाज गोइन बाय, तो किसने टर्म स्पीसीज जॉन रे ने यूज किया था। 54 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 54 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या है सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सही सीक्वेंस क्या है, इनमें से आपको बताना है। तो 55 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 55 क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या है अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, क्या कहा जाता है। तो देखते हैं 56 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 56 का फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है स्पीसीज कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी वरीस, कैरोलस, लीनियस, हक्सले, जॉन रे। सेकंड ऑप्शन सही है, 57 का सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है, सेकंड सही। अरफा हसन तुम्हारा 57 का थर्ड तुमने लगाया, गलत आंसर है अरफा हसन, सोच समझ के आंसर लगाइए, हम सब देख रहे हैं। 57 का सेकंड आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नंबर करेक्टर्स होना चाहिए कार्ड, पहला ऑप्शन है मोनोमियल, दूसरा है वर्नेकुलर, नेक्स्ट है बाइनोमियल, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। तो क्या कहा जाता है 58 का थर्ड आंसर सही है। हाँ मिस टाइप है अरफा, अच्छा सॉरी कोई बात नहीं अरफासन, थर्ड आंसर सही है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैलोलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है टू आर मोर स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम आर ओवरलैपिंग एरिया,
पहला ऑप्शन है सिंपैथिक, दूसरा है सिबलिंग नेस्ट है, सब स्पीसीज नेस्ट है एलोपैथिक। 59 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, 59 का फर्स्ट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 60 क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इस, सबसे पहले टैक्सोनॉमी पर काम किसने किया था? पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले क्या किया जाता है? नेमिंग, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। 60 का सेकंड आंसर सही है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लाइफ ओरिजिनेटेड इन एयर, सॉयल, माउंटेन, वाटर। लाइफ सबसे पहले वाटर में ओरिजिनेट हुई थी। 61 का फोर्थ ऑप्शन सही, 61 का फोर्थ ऑप्शन सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कांस्टेंट कंसिस्ट ए ऑफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के पहले एटमॉस्फेयर में क्या क्या था? वाटर वेपर्स, मेथेन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, मेथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स। तो 62 का थर्ड आंसर सही है, 62 का आदित्य तुम्हारा आंसर गलत है, आदित्य उपाध्याय थर्ड आंसर सही है। मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पहले, ओरिजिन ऑफ लाइफ के पहले मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, विच वॉज एब्सेंट आर लीस्ट अबाउंडेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस समय ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तो 63 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन देखिए क्या है, गैसियस मिक्सचर यूज बाय मिलर फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंक्लूड। किन किन चीज़ों का मिक्सचर लिया था? तो 64 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स को लिया था। 64 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 65 क्वेश्चन, अर्थ ओरिजिनेटेड इन द पास्ट पीरियड ऑफ अबाउट। अर्थ का फॉर्मेशन लगभग आज से कितने वर्ष पहले हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, नेक्स्ट है 8 बिलियन ईयर एगो, नेक्स्ट 3 बिलियन ईयर एगो, नेक्स्ट है 1 बिलियन ईयर एगो। 65 का फर्स्ट आंसर सही है, 4.5 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे आप आइए, विच वॉज नॉट प्रेजेंट फ्रीली इन द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। प्रारंभिक अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता था? वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो 66 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड, 66 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन है, रशियन साइंटिस्ट हू प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज। ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी किसने दिया था? ओपेरिन ने दिया था। तो 67 का फर्स्ट आंसर सही है, 67 का फर्स्ट आंसर सही है, सृष्टि नागराज फर्स्ट आंसर सही है। ध्यान रखना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की है और ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन की है। ध्यान रखना ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन की है और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन गलत मत करना, कंफ्यूज हो रहे हो। 67 का फर्स्ट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट फर्स्ट इवॉल्व ऑन अर्थ एंड रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वर यूरिया एंड अमीनो एसिड। दूसरा है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, नेक्स्ट प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, नेक्स्ट है यूरिया एंड न्यूक्लिक एसिड। 68 का सेकेंड आंसर सही। साधना आपका आंसर गलत है, वरुण गलत आंसर, सेकेंड आंसर सही है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का सेकेंड आंसर सही। नेक्स्ट 69 फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ वर बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा।
सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया डेवलप हुए थे, तो 69 का थर्ड ऑप्शन सही। 69 फोटोसिंथेसिस की बात की गई है, सही आंसर है साइनोबैक्टीरिया। 69 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, कोई सर्वेट्स क्या होते हैं। 70 क्वेश्चन आपके सामने है, लेपोप्रोटीन, मिक्सचर ऑफ अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, नेक्स्ट है कोलाइडल सस्पेंशन, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। 70 का थर्ड आंसर सही है, 70 का थर्ड आंसर सही है, मिक्सचर ऑफ अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, नहीं कोलाइडल सस्पेंशन। 70 का थर्ड आंसर सही है, कोलाइडल सस्पेंशन सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म न्यू सिस्टमेटिक किसने यूज़ किया था, बेंथम एंड हुकर, लीनियस, साक्सले और ADD कैंडले। तो 71 का थर्ड आंसर सही है, हक्सले ने यूज़ किया था, किसने किया था, हक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय हचिनसन, एंगलर एंड प्रॉन्ट, क्या है प्रिंटो, नेक्स्ट है बेंथम एंड हुकर, नेक्स्ट है लीनियस, नेक्स्ट है सांता पाउ। 72 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 72 का फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट आंसर सही है, जिन लोगों ने फर्स्ट लगाया उनका गलत, उनका सही, बाकी सबका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इस, पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, तो क्या होगा। 73 क्वेश्चन का सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाय, पहला है लीनियस, दूसरा है डी कैंडोल, नेक्स्ट यो फर्स्ट, नेक्स्ट बेंथम एंड हुकर। 74 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, फर्स्ट आंसर सही है, लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 स्पीसीज प्लांटेरम वाज रिटन बाय, स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी थी, हक्सले, जॉन रे, कैरोलस, लीनियस, डार्विन, किसने लिखा था। 75 का थर्ड आंसर सही है, मतलब कैरोलस लीनियस ने लिखा था, थर्ड आंसर सही है, जिन लोगों ने थर्ड लगाया उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखिए, एन इम्पॉर्टेंट इट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, पहला रिजेम्बलेंस इन मार्फोलॉजी, नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, नेक्स्ट है ब्रीजिंग टेस्ट, नेक्स्ट है प्रेजेंस और ऑप्शंस ऑफ नोटोकार्ड। 76 का सेकंड ऑप्शन सही है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट, 76 का सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, जिन लोगों ने सेकंड लगाया उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है, फादर ऑफ जूलॉजी इज, कैरोलस, लीनियस, अरिस्टोटल, जॉन रे, बुफोन, तो अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, तो 77 का सेकंड आंसर सही है, 77 सेकंड आंसर सही है, अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन है, वेटकर प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 70 वेटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो 78 का सेकंड ऑप्शन सही, 78 का सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पहला ऑप्शन है क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, अल्टरेशन सिस्टम, नेक्स्ट है हैबिटेट, नेक्स्ट है ओवरऑल सिमिलरिटीज, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। 79 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स, विदाउट फ्लैश इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ऑसवाल्ड टिम्पो, जोहान हिसेंसन, नेक्स्ट है
टेक्टोजन, नेक्स्ट है बेंथम एंड हुकर। 80 का देखते हैं, थर्ड आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है, टेक्टोजन ने कहा था, ये सेंटेंस टेक्टोजन ने यूज किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन थ्रू द इंजेक्टिंग। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंटीजन। तो 81 का थर्ड आंसर सही है, 81 का थर्ड आंसर सही है, एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर इंटर कराई जाती हैं, एंटीबॉडीज, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 82 क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस अकर्स ड्यू टू। पहला ऑप्शन है मॉस्किटो बाइट, दूसरा है इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क, नेक्स्ट है सीसी फ्लाई, नेक्स्ट है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। 82 क्वेश्चन, 82 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, 82 का फोर्थ ऑप्शन सही है, सभी के आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 83 क्वेश्चन ये रहा, हार्मोनल इम्यूनिटी इज ड्यू टू। पहला ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट, एल लिम्फोसाइट, पी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। 83 क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर तुम लोग लगाते हो। 83 का फोर्थ आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन सही, सभी के सही, बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन क्या है, डिप्थीरिया इज कनेक्टेड विद। पहला ऑप्शन है लंग, थ्रोट, ब्लड, लीवर। डिप्थीरिया का इन्फेक्शन कहाँ पर होता है? 84 का सेकेंड ऑप्शन सही, 84 का सेकेंड ऑप्शन सही, वेरी गुड। डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया गले में इन्फेक्शन करता है, सेकेंड ऑप्शन सही है, थ्रोट। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन आ जाइए, 85 है टिपैनोसोमियासिस इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई और क्यूलेक्स। तो टिपैनोसोमियासिस किससे फैलता है? सीसी फ्लाई से फैलता है। 85 का थर्ड आंसर सही, 85 का थर्ड आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन है बम्प इज अ वायरल डिजीज दैट काज इन्फेक्शन ऑफ। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट है सबमैक्सिलरी, नेक्स्ट है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड पर जब वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। 86 का फर्स्ट आंसर सही, वेरी गुड, सब ने सही लगाया। 87 क्वेश्चन है इन पोलियो द लेग एट पैरालाइज एंड एट्रोफिट ड्यू टू। पहला ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, नेक्स्ट है डीजनरेशन ऑफ बोन, नेक्स्ट है डेथ ऑफ सम मसल्स, नेक्स्ट है श्रिंकेज ऑफ मसल्स। 87 का क्या होगा? 87 क्वेश्चन का है डेथ ऑफ सम मसल्स, 87 का थर्ड आंसर सही है, 87 का थर्ड आंसर सही है, ध्यान रखना, कुछ मसल्स डेथ हो जाती हैं। 88 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मलेरियल पैरासाइट कैन बी ऑब्टेन इन आरबीसी ऑफ पेशेंट व्हेन टेम्परेचर रीचेस नॉर्मल, नेक्स्ट है एंड आवर बिफोर राइज द टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर राइज विद राइगर, नेक्स्ट है अ फ्यू आवर आफ्टर टेम्परेचर रीचेस नॉर्मल। तो कब प्राप्त किए जा सकते हैं? थर्ड आंसर सही है, व्हेन टेम्परेचर राइज विथ ट्राइगर, थर्ड आंसर सही है, 88 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन देखिए, विच वन इज कैरियर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया को कैरियर का काम कौन करता है? क्यूलेक्स, एडिस, एनाफिलीस और टिबेनस। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है, फीमेल क्यूलेक्स। तो 89 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट सही है साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ब्लैक वाटर फीवर इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वोवेल, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये डिजीज सेकेंड से होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, 90 का सेकेंड आंसर सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 91
91, the plant that produces spores and embryo but lack vascular tissue and seeds is 91 का क्या होगा? टेडोफाइट, रोडोफाइट, रोडोफाइट फाइट्स, ब्रायोफाइट, फियोफाइट्स क्या होगा? 91 क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है, ब्रायोफाइट होगा शिवांश। शिवांश गलत आंसर, ब्रायोफाइट सही आंसर। आकाश गलत आंसर, ब्रायोफाइट में स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, एम्ब्रियो बनता है लेकिन वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, सीड नहीं बनते हैं। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स फर्न डिफर फ्रॉम मास ब्रायोफाइट इन प्रोसेसिंग। पहला है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम आर्चिगोनिया फ्लैजेलेटेड स्पर्मेटोजॉइड। 92 का सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, सेकेंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, क्या है प्रोथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनासार। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, कितनी प्रोथेलियल सेल होती हैं। 93 का सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है इन साइकिल पॉलिनेशन इज बाय। साइकस में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, विंड, इंसेक्ट, वाटर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। 94 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 94 का फर्स्ट आंसर सही है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। सिमरन हैरानी गलत आंसर, यह क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए था, विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है सिमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगारा क्लेमाइडोमोनास रिडक्शन डिवीजन एट अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जूस्पोर फॉर्मेशन, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव फॉर्मेशन, देखते हैं क्या होता है। 95 का थर्ड आंसर सही है, 95 का थर्ड आंसर सही है, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है, जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के समय, थर्ड ऑप्शन सही है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे आइए, इन मॉस स्टोमेटा अकर्स इन स्टेम लीफ्स कैप्सूल आर। मॉस में स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं। 96 का थर्ड आंसर सही है, कैप्सूल में पाए जाते हैं, कैप्सूल में पाए जाते हैं। 96 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन है, प्लांट हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम बट लैकिंग सीड्स आर। वो कौन से प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं लेकिन सीड नहीं बनते हैं। ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट सही आंसर है, 97 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स सेटिलेट लेमिनेट रिबन शेप्ड स्पायरल शेप्ड ग्रेडल शेप्ड। तो यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट ग्रेडल शेप्ड होते हैं। तो 98 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 98 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 98 फोर्थ ऑप्शन सही है। स्पायरोगारा में रिबन शेप्ड होते हैं, यूलोथ्रिक्स में ग्रेडल शेप्ड होते हैं। तो 98 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट से होता है, तब उसे क्या कहते हैं, करवा चुके हैं क्वेश्चन। 99 का सेकंड ऑप्शन सही है, 99 सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, रेजिन होना चाहिए, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम साइकस पाइनस सिड्रस एबिस। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, 200 का सेकंड ऑप्शन सही है, 200 सेकंड ऑप्शन सही है, ये पाइनस से प्राप्त किए जाते हैं। लिप्सा गलत आंसर, लिप्सा सेकंड ऑप्शन सही है, पाइनस से ऑब्टेन किए जाते हैं, पाइनस से। चलिए जल्दी से बताइए किसके कितने गलत हैं, फिर आगे और कराते हैं। 50 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं,
और जल्दी से बताइए किसके कितने गलत और किसके कितने सही। कृतिका के, अच्छा वेरी गुड। सिमरन ईरानी के 3 गलत, नीता चोपड़ा के 2 गलत, स्नेहल के 3, सुप्रीत कनौजिया 3, कृतिका के 5 और रवि के 4, आकाश 4, शिवांश 3, ऑल अबाउट अर्पासन के 2। अर्पासन बहुत बढ़िया कर रही हो, वेरी गुड। सिमरन, शिवांश, आकाश, स्नेहल सभी लोग और इम्प्रूव करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैराथन से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, पूरी बायो का एक साथ लार्ज क्वांटिटी में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए आगे फिर शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड, अच्छा टारगेट नीट 2021, ये मिशन मेरा है टारगेट नीट 2021। और जो लोग इस टारगेट के अंदर रहेंगे, एक भी दिन गोल नहीं मारेंगे, मैं वादे के साथ कहता हूँ कि उनका 100% नीट पे सिलेक्शन होगा, 100% होगा अगर वो गैप नहीं करेंगे तो, और अच्छी रैंक के साथ होगा। और कल से क्वेश्चन जो होंगे, कल से जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के होंगे। और इस सीरीज़ की कल से जो क्वेश्चन कराएंगे उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन कराएंगे, और फिजिक्स के क्वेश्चन कराने के बाद तुरंत उसका, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तुमने किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का तुरंत सलूशन तुम्हारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, आपका तुरंत सलूशन होगा, आपने गलत किया है या सही किया है, सलूशन देख करके आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब हर क्वेश्चन के बाद तुरंत मैंने सलूशन दिया है। तो फिजिक्स में ये चीज़ मैंने तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए डेवलप किया है, फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने ऐसा नहीं किया है कि केवल क्वेश्चन और आंसर बताएं, मैंने किया है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, आपसे पूछेंगे कौन सही कौन गलत, और तुरंत उसके बाद सलूशन, तब अगला क्वेश्चन हम कराएंगे। तो इसलिए, हाँ विशाल बताइए, विशाल तिवारी बताइए क्या डाउट है। विशाल तिवारी अपनी बात रखिए, विशाल क्या डाउट है जल्दी से बताइए, फिर आगे कहानी शुरू करें। आप अपने डाउट को बताइए, मतलब हर क्वेश्चन के बाद डाउट अपना बताइए, क्वेश्चन डाउट। चलिए आगे देखते हैं, डाउट नहीं बता रहे, क्वेश्चन नंबर सही से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन 201, 201 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 201 क्वेश्चन ये दिया गया है, सुपर ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग। पहला है ह्यूमन रेंस, नेक्स्ट है लीवर लाइव स्टॉक, नेक्स्ट है पुलोइड, नेस्ट है प्लांट्स। देखते हैं क्या आंसर तुम लोग लगाते हो। 201 का सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड। 201 का सेकंड आंसर सही है, यह जानवरों में, पालतू जानवरों में यूज किया जाता है ये मेथड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, द यंग चिकन्स राइस स्पेसिकली फॉर मीट इन कार्ड। पहला ऑप्शन है ब्रॉयलर, नेक्स्ट है कॉकरेल, नेक्स्ट है पुलेट, नेक्स्ट है हेन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर सही है। नागराज गलत आंसर, 2 का फर्स्ट आंसर है ब्रॉयलर कहा जाता है, जो चिकन काट करके खाए जाते हैं उन्हें ब्रॉयलर कहते हैं। फर्स्ट आंसर सही है, 2 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फिश इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, क्या दिया गया है फॉरनर्स इस। पहला है लोबिया रोहिता, नेक्स्ट है मेस्टिस सिंगाला, नेक्स्ट है पॉम्फ्रेट, नेक्स्ट है क्लेरियास बेट्रेकस। देखते हैं क्या आंसर लगाते हो।
तीन का थर्ड आंसर सही है पोमफ्रेट। ये बाहर से फिश को ला करके इंडिया में डाली गई है, रखी गई है पोमफ्रेट, मतलब क्वेश्चन नंबर तीन का थर्ड आंसर सही है, तीन का थर्ड आंसर सही है पोमफ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चार, क्वेश्चन नंबर फोर, बेस्ट एक्वेरियम इज लोकेटेड एट, पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा चेन्नई, नेक्स्ट है तारापुर मुंबई, नेक्स्ट है GSI कोलकाता। क्वेश्चन नंबर चार का थर्ड आंसर सही है, चार का थर्ड आंसर सही है तारापुर मुंबई में बेस्ट एक्वेरियम है, चार का थर्ड आंसर सही, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँच पे आइए, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज यूज इन रेसिंग सुपर मिल्क काउ, पहला है आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन विद पेडिग्री बुल, नेक्स्ट है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, नेक्स्ट है सुपर ओवुलेशन ऑफ हाई यील्डिंग काउ, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। पाँच का फोर्थ ऑप्शन सही है, पाँच का फोर्थ ऑप्शन सही है, तीनों टेक्निक सभी टेक्निक अपनाई जाती हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है पाँच का, पाँच का फोर्थ ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिए पाँच का फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, पिसी कल्चर इज रेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ, पहला ऑप्शन फिशेस, दूसरा बर्ड्स नेस्ट, रेप्टाइल्स नेस्ट है ऊल यील्डिंग, तो पिसी कल्चर में मछलियों को पाला जाता है, छः का फर्स्ट आंसर सही है, छः का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है जेफरंदी मुर्रा एंड महसाना आर ब्रीड ऑफ, ये किसकी ब्रीड है, काऊ बफेलो गोट शिप, ये किसकी ब्रीड है, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकंड ऑप्शन सही है, ये बफेलो की ब्रीड है, ये सभी बफेलो की ब्रीड हैं, वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर एट, क्या दिया गया है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इस मेथड ऑफ, पहला ऑप्शन है फिश कल्चर, दूसरा हाइब्रिडेशन ऑफ कैटल, नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल, नेक्स्ट है क्लोनिंग ऑफ शिप, एट का देखते हैं, एट का सेकंड आंसर सही है हाइब्रिडेशन ऑफ कैटल, सेकंड एट का सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन है क्या है, बुल सीमेन, बुल सीमेन इज स्टोर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन इन आइस, दूसरा है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है लिक्विड ऑक्सीजन, नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन, तो नाइन का फोर्थ ऑप्शन सही है, नाइन का फोर्थ ऑप्शन सही है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन, टेन क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्पॉनिंग इन फिशेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग द फीमेल विद, पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, नेक्स्ट है FSH NLH, नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, तो 10 का थर्ड ऑप्शन सही है, 10 का थर्ड ऑप्शन सही है, FSH और LH हार्मोन इंट्रोड्यूस किया जाता है, 10 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, मेटामेरिज्म इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, पहला ऑप्शन है मेटामेरिज्म किसका करेक्टरिस्टिक है, प्लेटीहेलमिंथिस मोलस्का पोलीपेरा एनिलिडा, तो 11 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 11 का फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पे आइए आप, सी एनिमॉन हैज अ सिमेट्री, सी एनिमॉन में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायोलेटरल स्पेरिकल पेंटामेरस रेडियल, तो 12 का फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड। शिवांश क्यों गलत कर रहे हो भाई, स्नेहल क्यों गलत कर रही हो, स्नेहल फोर्थ ऑप्शन सही है, रेडियल सिमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एनिमल डिवाइड ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटी सर्कुलेटरी ऑर्गन, कौन से एनिमल्स में ये सब नहीं पाए जाते हैं, टैप वार्म स्पन थ्रीटेंड वार्म, नेक्स्ट है लीवर फ्लू, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड ऑप्शन सही है, स्पंज में ये कुछ भी नहीं पाया जाता है, 13 का सेकंड आंसर सही है, शिवांश क्यों गलत कर रहे हो भाई, देखिए शिवांश प्लेटीहेलमिंथिस में देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल पाई जाती है नहीं,
क्यों गलत किया भाई? प्लेटी हेलमेंथीस में एक्सक्रीटी आर्गन फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं या नहीं? तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं, ये गलती मत करिए भैया। तो सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया गया? सीलोम ड्राइड फ्रॉम ब्लास्टोसेल इज नोन एज, जो सीलोम ब्लास्टोसिस्ट से बनती है उसे क्या कहते हैं? एंट्रोसीलोम, साइजोसेल, स्यूडोसेल और हीमोसेल। तो 14 का क्या होगा? थर्ड, तब उसे क्या कहते हैं? स्यूडोसेल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आप आइए। रेडियल सिमेट्री अकर्स इन फिशेस, मोलस्का, स्टार फिश, स्पंज। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? स्टार फिश में पाई जाती है। 15 का थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आइए। फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म जनरली प्रोसेस ए सिमेट्रिकल बॉडी, दूसरा रेडियल सिमेट्री, नेक्स्ट है वन सिंगल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, नेक्स्ट है सीलिया ऑन द सरफेस टू क्रिएट वाटर करेंट। 16 क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर तुम लोग लगाते हो। 16 क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है और 16 का सेकंड आंसर सही है। वेरी गुड, सेकंड आंसर सही है, उसमें रेडियल सिमेट्री मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है। ट्रोकोफोर लार्वा आकर्षण, ट्रोकोफोर लार्वा किसमें पाया जाता है? एनीलिडा, पोरीपेरा, सिलेंटेटा, एनीलिडा, मोलस्का, सिलेंटेटा, एनीलिडा, मोलस्का। 17 का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। 17 क्वेश्चन नीता चोपड़ा, क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी बताइए आंसर 17 का, फिर आगे बढ़ें। 17 का फोर्थ आंसर सही है। नीता तुमने बिल्कुल सही आंसर बताया, एनीलिडा और मोलस्का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सीलोम इज कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एनक्लोज बाई एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, मेजोडर्म एंड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड ऑन बोथ साइड, मेजोडर्म ऑन बोथ साइड। 18 का फोर्थ ऑप्शन सही है, मेजोडर्म बोथ साइड से कवर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लार्वा इन इट्स लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल में लार्वा नहीं पाया जाता है? प्रॉन, आर्थवर्म, क्रेब, कॉकरोच। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, 19 क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है, कॉकरोच की लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन ये है, सीलोम प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म इज, जो मेजोडर्म के फटने से सीलोम बनती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोसेल, एंट्रोसेल, साइजोसेल, नन ऑफ दिस। 20 क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है, 20 का थर्ड आंसर सही है रोहित राज, 20 का थर्ड आंसर सही है, तब उसे साइजोसेल कैविटी कहते हैं। 20 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पोरफायरिन इज एक्सक्रीटरी क्या है? एक्सक्रेटेड फ्रॉम, पहला ऑप्शन दिया है एज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है क्या आंसर सही है। 21 का देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। 21 का फोर्थ ऑप्शन सही है, रवि बिल्कुल सही आंसर तुमने लगाया है, क्राइसेंथेमम सही आंसर है, क्राइसेंथेमम सही आंसर है, फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द अर्लीस्ट पेस्टिसाइड वाज, सबसे पहला पेस्टिसाइड कौन सा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं 22 क्वेश्चन, देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। 22 क्वेश्चन अर्पासन हम आंसर नहीं बताएंगे, 22 का फर्स्ट आंसर सही है, 22 का फर्स्ट आंसर सही है, मार्गोसा सबसे पहला है, द अर्लीस्ट पेस्टिसाइड वाज मार्गोसा, फर्स्ट आंसर सही है, 22 का फर्स्ट आंसर सही है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
23 क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिक एसिड कर्ड इथाइल अल्कोहल चीज, तो 23 का थर्ड आंसर सही है, 23 का थर्ड आंसर सही है, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, 23 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 21st क्वेश्चन है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, फ्लेमिंग, वॉक्समैन और बुकहोल्डर, नेक्स्ट है डुबोइस, सबसे पहले फर्स्ट आंसर सही है, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, तो 24 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इन चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिक्वायर्ड फॉर, चीज में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, रैपनिंग और सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग और रैपनिंग, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एक्सप्लॉयस, 25 क्वेश्चन आपके सामने है और 25 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चीज एंड एग हार्ट आर प्रोडक्ट ऑफ, चीज और एग हार्ट किसके प्रोडक्ट हैं, 26 क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। 26 क्वेश्चन, जल्दी आंसर बताइए फटाफट, शिवांश वेरी गुड, सही आंसर, सभी के सही आंसर, सेकंड, ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, BGA इज चीफली यूज एज फर्टिलाइजर इन, पहला ऑप्शन है वीट, दूसरा है पेडी, नेक्स्ट है मस्टर्ड, नेक्स्ट है ग्राम, 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो, 27 क्वेश्चन हम आंसर नहीं बोलेंगे, तुम्हें बताना होगा 27, वेरी वेरी गुड, 27 सेकेंड आंसर सही है, पैडी मतलब धान के खेतों में यूज होता है फर्टिलाइजर्स के रूप में, 37 का सेकेंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कर्ड मिल्क चीज एंड बटर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, ये सब किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, ईस्ट, पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस, नन, 28 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 28 का जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, लिप्सा, 28 का थर्ड आंसर सही है, 28 का थर्ड आंसर सही है, स्ट्रेप्टोकोकस की रिक्वायरमेंट होगी, बैक्टीरिया है, 28 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट 29, विनेगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ, पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है एसिडोबैक्टर, नेक्स्ट है एजिटोबैक्टर, नेक्स्ट है राइजोबियम, 29 का जल्दी से बताइए 29 का क्या होगा, हम आंसर नहीं बोलेंगे, 29 सेकेंड आंसर सही है, 29 का सेकेंड आंसर सही है, सेकेंड आंसर मतलब एसिटोबैक्टर, एसिटाई बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रेनिन एम्प्लॉयड इन चीज इंडस्ट्री इज, पहला इनहिबिटर, दूसरा एल्किलॉयड, नेक्स्ट है एंजाइम, नेक्स्ट है इनहिबिटर, दो बार इनहिबिटर हो गया है, 30 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 33 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये क्वेश्चन है, नेमेटोपोर्स आर ब्रीदिंग रूट्स अकर्स इन, नेमेटोपोर्स या ब्रीदिंग रूट्स किसमें पाई जाती हैं, हाइड्रोपाइट्स, एपीपाइट, जीरोपाइट, मैंग्रोव प्लांट, 31 का बताइए जल्दी से, 31 का सिवान, सिमरन, नीता, आकाश, वेरी गुड, 31 का फोर्थ ऑप्शन सही है, ये मैंग्रोव प्लांट में पाए जाते हैं स्नेहल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विलोमेन इज अ टिश्यू फाउंड इन, विलोमेन टिश्यू किस में पाया जाता है, पैरासाइट्स में, ऑल एपिफाइट्स में, एरियल रूट इन सम ऑर्किड्स, 32 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 32 का देखते हैं तुम लोग क्या लगाते हो, 32 का थर्ड आंसर सही है, शिवांश तुम्हारा आंसर गलत है, थर्ड आंसर सही है, एरियल रूट ऑफ सम ऑर्किड्स, कुछ ऑर्किड की एरियल रूट में पाई जाती हैं, थर्ड आंसर सही है।
वेरी गुड, 32 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, हास्टोरिया आर सकिंग रूट अकर्सन, पहला है बीटल, दूसरा है आर्किड, नेक्स्ट कस्कुटा, नेक्स्ट है टीनोस्पोरा। 33 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, 33 का थर्ड कस्कुटा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम, रीजन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ इलांगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ मैच्योर सेल, कहाँ से डेवलप होती हैं। 34 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से बताइए। कृतिका जाट साहब, बहुत देर किया आज, 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ये रहा क्वेश्चन, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ रूट अकर्स इन, रूट में अधिकांश ग्रोथ कहाँ पर होती है। 35 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 35 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखते हैं तुम लोग क्या लगाते हो। गलत आंसर 35 का सेकंड आंसर सही है, बिहाइंड द रूट टिप सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, बिहाइंड द रूट टिप सेकंड ऑप्शन सही है, 35 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, लेटरल रूट कहाँ से निकलती हैं, कार्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। 36 क्वेश्चन, 36 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 36 का फोर्थ ऑप्शन सही है, लेटरल रूट पेरिसाइकिल से निकलती हैं, लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, रूट दैट होल्ड हॉरिजेंटल ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री इन द एयर आर, पहला है थम रूट, प्रॉप रूट, स्टिल रूट, ऑल ऑफ द अबव। 37 का क्या होगा आंसर, 37 का सेकंड आंसर सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है, 37 सेकंड, प्रॉप रूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फाइलोक्लेट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, फाइलोक्लेट किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ, रूट, फ्लावर, स्टेम, तो 38 देखते हैं क्या लगाते हो। 38 जल्दी से बताइए, नीता, शिवांश, कोनिका, कृतिका, लिप्सा, आकाश, रवि, 34 का, वेरी गुड 38 का फोर्थ ऑप्शन सही है, रो मानेगी सृष्टि, गलत आंसर, 38 का फोर्थ ऑप्शन सही है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट बर्ड इज आप, सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है, कैबेज, क्यूलीफ्लावर, एग्वाय, ओनियन, सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है। 39 क्वेश्चन जल्दी से बताइए, 39 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है, कैबेज सबसे बड़ी बर्ड है, नहीं तो फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, पोटैटो ट्यूबर इज मॉडिफाइड या एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज, स्टेम, बल्ब, स्टोलन रूट, तो क्या है, 40 का क्या होगा। 40 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर सही है, देखिए पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड सभी के आंसर सही है, फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, रेस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस इज एम्प्लॉयड फॉर कटिंग, रेस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को किसके काटने के लिए किया जाता है। 41 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 41 का सेकंड आंसर सही है, 41 का सेकंड आंसर सही है, डबल स्टैंड डीएनए को काटने के लिए यूज किया जाता है। कोनिका गलत आंसर, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल है, डीएनएस, एमाइलेस, लाइपेस, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। 42 का फोर्थ ऑप्शन सही है, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वेरी गुड,
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 43 क्वेश्चन। क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक एंजाइम बिकॉज दे कैन जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट, कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, कट डीएनए एट वेरिएबल साइट्स। नेक्स्ट आर प्रोटोलाइटिक एंजाइम विच डीजनरेट हार्मफुल प्रोटीन्स। देखते हैं 43 का क्या है। 43 का सेकेंड आंसर सही है। वेरी वेरी गुड पी वी जाट बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर्ट बींग यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, पहला है मेलाटोनिन, नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, नेक्स्ट है ह्यूमन इंसुलिन, नेक्स्ट है थायरोक्सिन। 44 का थर्ड ऑप्शन सही। वेरी गुड 44 का थर्ड ऑप्शन सही। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे डेवलप किए जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, इंट्रोड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, डिलीटिंग सर्टेन क्रोमोजोम पार्ट, नेक्स्ट है स्टॉपिंग स्पेंडल फॉर्मेशन। 45 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और फर्स्ट आंसर सही है। 45 का फर्स्ट आंसर सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेन, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में क्या होता है। आरएनए और प्रोटीन, डीएनए, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। 46 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। 46 का थर्ड आंसर सही है। रोमानागी गलत आंसर, सुप्रीत गलत आंसर, सृष्टि गलत आंसर, रवि गलत आंसर। इसमें डीएनए होता है। थर्ड आंसर सही है। कृतिका गलत आंसर, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कमर्शियल नीव्स या मॉलिक्यूलर सिसर आर रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस पॉलीमरेज लाइगेज ट्रांसक्रिप्टेज किसे कहते हैं। 47 क्वेश्चन देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो, जल्दी से बताइए 47 क्वेश्चन। वेरी गुड शिवान, सिमरन, रोमा, सृष्टि, स्नेहा, लिप्सा, नीता, वरुण, सुप्रीत, आकाश, पीवी जॉट, रवि, अर्पा, हसन, कोनिका, कृतिका, सभी के आंसर सही है। वेरी गुड। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 टू बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, दो बैक्टीरिया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। राइजोबियम एंड एजिटोबैक्टर, एसरेचिया कोलाई एंड एजिटोबैक्टर, एग्रोबैक्टर राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस नाइट्रोसोमोनास एंड क्लेपसिला। तो देखते हैं 48 का क्या तुम लोग लगाते हो। 48 का सेकेंड आंसर सही है। एसरेचिया और एग्रोबैक्टीरियम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसके कारण पॉसिबल हुई है। और देखते हैं 49 का क्या तुम लोग लगाते हो। 49 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और जल्दी से आंसर दीजिए जाट साहब, जल्दी से आंसर दीजिए। 49 का थर्ड आंसर सही है और स्नेहल तुम्हारा आंसर गलत है। 49 का थर्ड आंसर सही है। 49 का थर्ड आंसर सही है। वेरी गुड, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियम कॉमनली यूज इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग इस, कौन सा बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है प्लांटों के। एग्रोबैक्टीरियम, कॉर्निबैक्टीरियम, बेसिलस सबटिलिस या साल्मोनेला टाइफी। 50 क्वेश्चन आपके सामने है और 50 का फर्स्ट आंसर सही है। 50 का फर्स्ट आंसर सही है और जल्दी से बताइए किसके कितने गलत हुए हैं। जाट साहब, क्या आपको मालूम नहीं था आज क्लास 7 बजे से है मैराथन।
जाट साहब, सिमरन ईरानी के 2 इनकरेक्ट, वेरी गुड, सुप्रीत के 3 गलत, स्नेहल के 3 गलत और कृतिका के 2 गलत, शिवांश वेरी गुड, आकाश 3 गलत, नीता 3 गलत। अच्छा जाट पता नहीं था जाट साहब, हमने अनाउंस तो कर दिया था यूट्यूब पर, मैंने इन्फॉर्मेशन भी डाल दी थी लेक्चर के रूप में। जाट साहब, अर्पा 2 गलत, कुनिका के 2 गलत, रवि और शिवांश वेरी गुड। हाँ 7 से 8 होगी कल क्लास और तुमको मैंने बता दिया है। अब हमें हमारा है टारगेट नीट 2021 और अब जो क्वेश्चन होंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के क्वेश्चन होंगे, 7 बजे से होंगे। और फिजिक्स में हर क्वेश्चन का सलूशन आपको तुरंत मिलेगा क्वेश्चन के बाद। मैंने तुम्हें बताया जैसे क्वेश्चन पहला किया है, पहले क्वेश्चन के बाद तुरंत आपको सलूशन मिलेगा। हाँ फुल सिलेबस सृष्टि, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन है, अब कोई एक चैप्टर नहीं है, फुल सिलेबस, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो। नहीं जाट साहब, फिजिक्स में पूरी फिजिक्स से क्वेश्चन उठाए हैं, पूरी फिजिक्स से, चैप्टर वाइज नहीं है, बिल्कुल नीट पैटर्न पे अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, टोटल नीट पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे 7 बजे। और जो भी तुम्हारे दोस्त हों, जो भी करना चाहते हैं वो आ जाएं और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और सभी को मेरी तरफ से थैंक यू जो मेरा साथ दिया है। और नीता चोपड़ा, अब हमारी तरफ से यही कहना है, आप रेगुलर हो जाइए, पीएमटी निकाल लीजिए, नीट निकाल लीजिए, नीता आप रेगुलर हो जाइए। नहीं जाट, कोई हार्डवर्क नहीं है, ये तो तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम बुढ़े हो जाएंगे तो तुम लोग हमारा इलाज करोगे, समझे जाट, हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो तुम लोग हमारा इलाज करोगे, जैसे हम आज फ्री पढ़ा रहे हैं कल तुम मेरा फ्री इलाज करोगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से, और कोरोना से सावधान रहिए, जम करके पढ़ाइए करिए, अब केवल 60 डेज बचे हैं नीट एग्जामिनेशन के। और नीता 60 दिन, केवल 60 डेज बचे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, आप गोल मत मारिए नीता। चलिए सभी को हमारी तरफ से थैंक यू, फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे नई प्लानिंग के साथ।